I think we are live. Can you guys hear me? So I've just come 6 minutes early. I think we'll start at 7, but just to build the audience so nobody missed any topic we are going to speak. Yes. So guys, I have made some, got very good feedback from everybody, and सबने अच्छी feedback दिया, तो एक format बनाया है show का, आप क्वेश्चंस मेरे से पूछना, मैं आपसे सारे क्वेश्चंस लूंगा, पर एक टॉपिक आप देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ टॉपिक्स डाले, तो आप अगर उसको उन टॉपिक्स को देखेंगे, तो पहले मैं ये फॉर्मेट बनाया है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूंगा आप लोगों से, अपनी ओपिनियन मैं अपनी दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर आप उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछना, एंड ऐसे में क्या होगा कि कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए. मैं होमवर्क करके भी आया हूँ, थोड़ा रिसर्च भी किया है, सारे टॉपिक्स मेरे सामने खुले पड़े हैं. तो जो टॉपिक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे आप लोगों की फीडबैक के बाद एंड एवरीथिंग, एक बार मैं कैमरा थोड़ा सीधा कर देता हूँ. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? पहले मुझे बता दीजिए. गुड इवनिंग एडवेंचर लवर आशु भाई, हाय कदम भाई, हाय. लैपटॉप है तो किसी के कमेंट मिस नहीं होंगे होपफुली. सो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ टॉपिक डाले हैं, आप पहले उनको देख लीजिए एक बार. पहला टॉपिक है AIFF सेट टू अकर टॉप स्टेटस टू ISL. हेलो सर. सर बोलने की जरूरत नहीं है भाई, आप भाई बोल सकते हो, केशव भाई. एंड देन सेकंड टॉपिक इज इंडियन फुटबॉल टीम बेस्ट 11 इन टैक्टिक्स. थर्ड इज राहुल केपी होम कमिंग एंड नोंगडम्बा नोरेम लोन मूव टू मोहन बगान. देन देयर इज द फोर्थ इज हाउ टू स्प्रेड फुटबॉल इन द न्यू सिटीज. देन देयर इज द इंजरी अपडेट ऑफ जेजे एंड अर्शदीप सिंह. Then there is another topic which is that I-League club are planning a legal action against AIFF for, Super Cup fines. And then in the lighter way, we will talk about Harbhajan Singh love for Indian football. I think wo ek topic jo highlight nahi hua, jo hona chahiye tha jitna. Ek second. To uske baare mein bhi baat karni chahiye. To 7 baje hum start karenge. 6:56 abhi ho rahe hain. To aap thoda sa time de dijiye mujhko. Saare log aa jaye. आप एक बार डिस्क्रिप्शन टैब देख लीजिए, अगर कोई और टॉपिक आप ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वो टॉपिक के बारे में भी बात करूंगा और इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी लूंगा. तो जस्ट गिव मी वन सेकंड. तो आप एक डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, 17 लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे पता रहेगा आप लोग भी इस इंटरेक्शन का पार्ट है. एक बार देख लीजिए प्लीज, एक बार लाइक करके. दस लाइक हो गए हैं, 18 कर देंगे, 18 लोग देख रहे हैं. तो लैपटॉप लेके इसलिए बैठा हूं ताकि आप लोगों के कमेंट जो मिस हो रहे थे अब नहीं होंगे, क्योंकि फोन पे बहुत मुश्किल होता देखना, तो लैपटॉप पे इजी रहेगा थोड़ा सा कमेंट वगैरह सब कुछ देखना. केशव भाई कह रहे हैं कि जस्ट टेक द पॉइंट ऑफ अमित सिंह के बारे में भी बात करेंगे, एक अपडेट है मेरे पास जो शायद आपको अभी तक किसी ने बताया होगा, बट थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन मिला था रिगार्डिंग आईगॉफ स्टार्मिक, जो इंडियन टीम के कोच हैं, वो मूविंग टू न्यू सिटीज. ओके, बट व्हाट अबाउट पुणे, 3 क्लब शटडाउन, इसके बारे में बात करेंगे. ओमकार भाई, हाउ टेल समथिंग अबाउट एनआरआई एंड पीएस प्लेयर्स, पीएस के बारे में बात करेंगे, उम्मीद सिंह का टॉपिक है, उसमें भी बात करेंगे. शेखर भाई बोल रहे हैं एनी न्यूज और बिग डील. भाई मैं अभी वेट कर रहा हूँ, सोर्स को फोन भी किया था, तो लास्ट टाइम जो मेरी बात हुई थी बिग डील के रिगार्डिंग, वो ये हुई थी कि उन्होंने बोला था कि वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि वो डील साइन हो जाएगी. मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे कुछ बोलने से अगर वो डील खराब हो जाती है तो इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छा नहीं रहेगा. तो होपफुली अगर हो जाए तो जैसे ही होता है सबसे पहले हमारी वेबसाइट फेसबुक ट्विटर पे देख लेंगे. मैंने डिस्क्रिप्शन में आज इसके सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डाल दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे टॉपिक के अलावा को लिंक्स मिलेंगे हमारे फेसबुक ट्विटर एंड वेबसाइट का, तो जो भी कुछ आप उनको फॉलो कीजिए. केशव भाई बात करेंगे इन सब के बारे में, एक बार 7 बज जाए, सारे लोग आ जाए, 19 लोग हैं यार, लाइक कर देना एक बार, अगर आप लाइक कर देंगे तो अच्छा होगा, थोड़े आप लोगों के फ्रेंड्स भी आ जाए, वीडियो सोशल मीडिया में शेयर भी किया है तो वो भी वहां से भी ऑडियंस आ जाए, तो फिर एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. तो पहला टॉपिक ऑफकोर्स ISL का है, जो न्यूज आई है आई थिंक काफी बड़ी न्यूज है और मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग न्यूज भी है जिस तरह वो न्यूज आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे. बार एक मिनट रह गया 7 बजने के लिए. हाउ मेनी टीम्स, अब तो भाई आदित्य भाई कोई खबर नहीं है कितनी टीम है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं. तो फॉर्मेट ये है कि पहले मैं जैसे एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मेरी टीम के पास है, जो बैकएंड से सुनने मिला है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर आप उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन करना,
यू नो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन करना, तो ताकि किसी को कोई टॉपिक मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिस ना हो जाए, तो क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, हमने एक टॉपिक के बारे में बहुत बात करी और उसलिए वो एपिसोड डेढ़ घंटे का हो गया, आई थिंक 1 hour 30 minutes का था, तो वो अच्छा भी नहीं है। एक घंटे में रैप करेंगे, कोशिश करेंगे सबके क्वेश्चन लेने की, 7 बज गए तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। 27 लोग देख रहे हैं, आप लोग अगर एक बार लाइक दबा देंगे तो पता चल जाएगा कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे सीरियसली सुन रहे हैं। ये गौरव भाई कहते हैं नया फुटबॉल स्टेडियम, उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए ट्रांसस्टेडिया के बारे में एक न्यूज है मेरे पास, जहां इंडिया का मैच होने वाला है, उसके बारे में हम सारे एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कितना वेन्यू कैसा है क्या है, बात चल रही है उनके ऑर्गेनाइजर से, जैसे ही होता है तो मैं आपको बता दूंगा, यू नो। तो उसके बारे में आज हमने रीच आउट किया है, तो मेरी वीडियो, हमने एक वीडियो टीम स्टैब्लिश की है अहमदाबाद में फॉर हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जो आपको जैसे दिल्ली में जब ट्रेनिंग सेशन हो रहे थे उसके कवरेज देंगे, बॉम्बे में टीम है हमारे पास वीडियो टीम, तो बॉम्बे वाली टीम भी कवरेज करेगी बॉम्बे में, एंड देन अहमदाबाद वाली टीम भी वीडियोस बनाएगी, तो ट्रेनिंग के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। हाय सबको, हाय जो भी हाय लिख रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक पहला टॉपिक जो है वो आईएसएल के बारे में है, बड़ी न्यूज आई थिंक अब तक की, आई थिंक पिछले 6 महीने में इंडो से जुड़ी न्यूज है, और थोड़ी शॉकिंग भी है मेरे लिए, मैंने नोट्स रखे हैं। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जिस तरह का मुझे लगा था कि एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे लीगल वे में, यू नो, ताकि सबको, सब लोग सेटिस्फाई रहे, आई लीग क्लब, आईसी क्लब, अब एक न्यूज निकल के आई है कि AIFF से जो मिस्टर कुशाल दास जनरल सेक्रेटरी हैं AIFF के, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है IMG, जो पहले IMG था, IMG रिलायंस और अब FSDL है, फुटबॉल सॉल्यूशन डेवलपमेंट लिमिटेड है, और AIFF के बीच में एक क्लॉज है, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें क्लॉज है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं उन्होंने बोला क्या है। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट ISL विल बी द टॉप लीग, इनिशियली वी फेल्ट दैट दी लेट द टूर्नामेंट हैपन एंड देन वी विल सी, आफ्टर 5 years वी हैव टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स लेट द एग्जीक्यूटिव कमिटी डिसाइड। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या था मतलब, अगर ये ऐसा कुछ क्लॉज था तो आज तक इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी, ना ISL से किसी ने बात करी, नहीं ISL क्लब्स ने बात करी, नहीं AIFF ने बात करी, ऑल ऑफ सडन आज एक रिपोर्ट आती है, बहुत रिलायबल रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं लिखा है कि देर इज अ क्लॉज। अब एक क्लॉज था तो पहले दिन से क्यों नहीं बता दिया गया आई लीग क्लब्स को, यू नो आई लीग क्लब को बहुत बार AFC ने बोला है, FIFA ने बोला है, AIFF ने बोला है कि आपकी एक टॉप डिविजन है, तो मुझे दोनों लीग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अचानक से क्लॉज आ गया है कॉन्ट्रैक्ट में, जिस क्लॉज को AIFF ने ऑनर करना है, और उसमें यह भी लिखा गया है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एक और क्लॉज है, मैं आपको वो भी पढ़ के बता देता हूं कि एग्जैक्ट क्लॉज क्या है, कि AIFF had agreed that the new league at the signing of the contract, that is ISL, would be the most senior and the prestigious league in India, and there is a clause that existing league, I league in this case, could be replaced, discontinued, or temporarily or permanently. So अब आप समझ लीजिए क्या होने वाला है, बेसिकली ISL टॉप डिवीजन, तो ISL फैन के लिए अच्छी न्यूज है कि ISL टॉप डिवीजन होने वाला है, तो ISL का चैंपियन AFC चैंपियंस लीग में जाएगा, एंड आई थिंक जो सुपर कप होगा या जो फेडरेशन कप होता था पहले, अब सुपर कप है, उसका चैंपियन जाएगा AFC कप के प्ले ऑफ में। तो अभी तक तो ये न्यूज है, तो आप मुझे बताइए कि क्या सोचते हो। अब मैं थोड़े क्वेश्चन ले लेता हूँ उस बारे में, मैं अपनी ओपिनियन भी आपको दे देता हूँ कि मेरी खुद की ओपिनियन क्या है, मतलब मुझे लगा था कि एक सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लीगल वे से, ताकि किसी ना आई लीग क्लब कंप्लेंट कर पाए, ना ISL क्लब कंप्लेंट कर पाए, ना AIFF कंप्लेंट कर पाए, ना AFC और FIFA कंप्लेंट कर पाए, बट ऑल ऑफ सडन एक क्लॉज आ जाता है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 2010 में बिटवीन IMG, उस टाइम IMG था, एंड AIFF, देन IMG रिलायंस हुआ, नाउ FSDL है। तो एडवेंचर भाई बोलते हैं कि ISL तब डील हुआ था, आपको नहीं मालूम, भाई मालूम है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, 2010 में डील साइन हुई थी, जब IMG ने इंडियन फुटबॉल के मार्केटिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट साइन किए थे, उस डील में ये मुझे पता था कि नई लीग स्टार्ट कर सकते हैं, वो हमने जो रॉबहन का एक लक्ष्य करके डॉक्यूमेंट आया था 2012 और 2013 में, आई थिंक आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें भी था कि एक सुपर लीग होनी चाहिए, उसके नीचे आई लीग या आई लीग सेकेंड डिवीजन और पूरी स्टेट लीग, 3 tier ऑफ लीग सिस्टम होना चाहिए, तो वो मुझे पता है, वो मैंने स्टडी किया है, बट नाउ ये जो क्लॉज की आप बात कर रहे हो कि मुझे नहीं मालूम था, हाँ मुझे नहीं मालूम था, शायद किसी और को भी नहीं मालूम था, अब क्लॉज एकदम से आया है,
तो अब आया है, तो अगर AIFF कह रही है उनको उसको यू नो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो यही एक न्यूज है कि मे बी अब ISL टॉप डिवीजन होगा। लॉट्स ऑफ रूमर्स ओमित सिंह के पे आएंगे एक बार ISL, आप इस पे आप क्या क्वेश्चन है आई लीग ISL से रिलेटेड आप मुझे भेजिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं बाकी टॉपिक पे हम आएंगे, ओमित सिंह हो गया, सुपर कप हो गया, सब पे आएंगे, इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। I guess AIFF totally ignore the roadmap proposed by AFC for development of Indian football. अब अगेन जो roadmap भी था, जो AFC ने roadmap दिया था publicly, वो कभी अब तक सामने आया नहीं। कुछ कुछ news reports में कुछ कुछ section उसके आए थे, तो AIFF ने publish किया नहीं। I League clubs मांग रहे थे काफी time से कि क्या report का result क्या है, जो एक AFC और FIFA ने study किया था। तो publicly मैं ये नहीं कह सकता कि ignore किया कि नहीं किया, बट क्योंकि मैंने भी जो लीक रिपोर्ट हुई थी उनको देखा था, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ सब कुछ देखा था। बट अब क्या है ओरिजिनल रिपोर्ट का, वो तो अब जब फीफा या AFC अपनी वेबसाइट पे डालेगी तो ही हमें पता चलेगा। आशु भाई बोल रहे हैं आई लीग एंड ICC शुड बी मिक्स टू फॉर्म अ बिगर टूर्नामेंट। यार आइडियल सिनेरियो तो वही है, बट अब मार्केटिंग वाइज, फाइनेंशियल वाइज, IMG रिलायंस या FSDL क्या सोचता है, स्टार स्पोर्ट्स क्या सोचता है, उनकी ओपिनियन भी है, क्योंकि नाउ सिचुएशन कंप्लीटली वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम पर। अगर ऐसा कुछ क्लॉज, जो क्लॉज की बात चल रही, जो कुशाल दास ने बोला है क्लॉज है कि ISL शुड बी द टॉप लीग ऑफ इंडिया, तो अब उनके ऊपर है कि वो लीग मर्ज करते हैं नहीं करते हैं, ईस्ट बंगाल मोहन बगान को बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। बाबू कुमार बोल रहे हैं ओमित सिंह के बारे में, बाबू आएंगे एक बार एक टॉपिक कंप्लीट कर ले, ताकि जो लोग देख रहे हैं 41 लोग देख रहे हैं, तो अगर आपका होगा तो आप मुझे क्वेश्चन दीजिए, मेरा भी रिप्लाई, सबका रिप्लाई करूंगा यार। हेलो पीपल, आप मुझे क्वेश्चन दीजिए, यू नो न्यू लीग कितने मंथ में होगी, हंटर हेल्प न्यू लीग मतलब नया सीजन की बात कर रहे हो, तो नया सीजन ऐसे सुनने में आया है, जो सुपर कप के बारे में भी रिपोर्ट है कि जो सुपर कप है वो सितंबर और अक्टूबर के जो इंटरनेशनल ब्रेक्स है उसके बीच में होगा बेसिकली, तो प्री सीजन में भी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, इंडियन टीम का कैंप भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके पहले सुपर कप होगा। सुपर कप का फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, तो मैं आपको अपडेट दे दूं, सुपर कप का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, नॉकआउट राउंड नहीं होंगे शायद, हर टीम को मिनिमम 3 मैचेस मिलेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है मिनिमम 3 मैचेस मिलेंगे, तो उसके बारे में बात करता हूं सुपर कप डिटेल में। इंडियन फुटबॉल अब बोल रहे रियली फील बैड फॉर आई लीग क्लब्स, दे हैव डन सो मच फॉर इंडियन फुटबॉल बट जस्ट फॉर AIFF एरोगेंट मेनी आई लीग क्लब गोना शट डाउन नाउ। भाई साइड तो है, सालों से फुटबॉल में है वो, मेरे हिसाब से उनको देखना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करे, यू नो आई थिंक कोई ना कोई वे होगा उसका मिडिल ग्राउंड, जो AIFF से एनजी रिलायंस से बात कर सके। बेस्ट सिनेरियो मेरे लिए लगता है, मुझे जो पर्सनल मेरी ओपिनियन है कि इंक जो ISL क्लब है उनको बोल दीजिए रेलिगेशन नहीं होगा, बट आई थिंक देयर शुड बी अ प्रमोशन, मे बी एक लास्ट एक टीम को प्रमोट कीजिए IMG या लीग वन से टू ISL एवरी सीजन, वो जस्टिफाई हो जाएगा आई लीग क्लब के लिए। आप रेलिगेशन मत कीजिए बट एटलीस्ट प्रमोशन रखिए, तो उसके लिए एटलीस्ट आई लीग क्लब को इतने साल से उन्होंने फुटबॉल को अगर इंडिया में रखा है तो उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। विल चेन्नई सिटी प्ले इन ISL? यार अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है चेन्नई सिटी के बारे में कि ISL खेलेगा नहीं खेलेगा, अभी तक तो आई लीग की तैयारी कर रहे हैं वो, तो देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं, अगले एक या दो वीक में मूवमेंट होगी या फिर कुछ डेवलपमेंट होगा इस बारे में, तो जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूँ। नवतेज बोल रहे हैं वॉज आई लीग एबल टू क्रेज फुटबॉल इन इंडिया, आई डोंट थिंक सो। तो आप जो कह रहे हैं आई लीग अगर क्रेज नहीं कर पाया, तो सिर्फ आई लीग का नहीं वो एक नेगेटिव पॉइंट है, जो आई लीग को मार्केट करने के राइट FSDL IMG के पास थे, AIFF के पास थे, तो उनका भी फेलियर है, यू नो ऐसा नहीं सिर्फ आई लीग क्लब का फेलियर है, उनका फेलियर है, हाँ उनकी गलतियां हैं, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया कई बार, वो अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर सकते थे नहीं किया, बट जो मार्केटिंग एजेंसी है उन्होंने भी उसको ढंग से मार्केट करने की कोशिश नहीं करी, अगर करते तो क्या पता अच्छा हो सकता था। बट अब यू नो अब किसको ब्लेम दें, एक बंदा यहाँ पे ब्लेम, एक क्लब या एक एजेंसी या एक फेडरेशन को ब्लेम नहीं दे सकते, आई थिंक ओपन है, तो सबका अपना अपना ब्लेम है, कोई लेना नहीं चाहेगा, ब्लेम गेम होगा पास करेंगे, तो वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। विल देयर बी अ न्यू टीम इन ISL? आई थिंक देयर आर चांसेस नाउ, अगर टॉप डिविजन करते हैं तो मेरे हिसाब से वो नई टीम आ सकती है ISL में। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब आएगी फाइनल रोड मैप की? हंटर आई थिंक अभी देखिए आज एक अनऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई आपके पास, क्योंकि कुशाल दास ने स्टेटमेंट दे दी है। आई थिंक स्टेटमेंट में जो बोल रहे हैं क्या बोलते हैं कि एक क्लॉज है जिसमें ISL टॉप डिवीजन होना चाहिए इंडियन फुटबॉल का, तो काइंड ऑफ अनऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके पास आ गई है, तो आई थिंक एक या दो वीक में आप एक ऑफिशियल डेवलपमेंट इसकी हो जाएंगे, जिसमें भी कमिटी की मीटिंग है आई थिंक ISL की, उसमें डिसाइड होगा। बट डू यू थिंक स्टार स्पोर्ट्स इन FSDL एंड स्टार स्पोर्ट्स एज अ ब्रॉडकास्टर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट?
भाई देखिए स्टार का भी अगर इतना पैसा वो डालता है आई लीग की मार्केटिंग में तो उनको भी कुछ ना कुछ होना चाहिए राइट, कि मतलब वो फ्यूचर में पैसा कमा सके। ऐसे नहीं अभी पैसा कमा रहे तो इसलिए अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, वो बिजनेस का मॉडल है यार। अब बिजनेस करते हुए लोगों से पूछोगे तो बिल्कुल सही है, बट ओवरऑल आई थिंक उनको भी कुछ कुछ ना कुछ आई थिंक उनको टीवी राइट्स के पैसे देने चाहिए जो क्लब में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अभी क्लब बहुत पैसा लूज कर रहे हैं, आई थिंक किसी से भी पूछोगे आईएसएल क्लब आई लीग क्लब सब लूज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ब्रॉडकास्टिंग राइट के पैसे मिलने चाहिए। हे व्हाट हैपेंड इफ द ऑल अदर क्लब्स फॉर्म अ रेबल लीग विद सम कॉर्पोरेट बैकिंग, पॉसिबिलिटी है। सेंड्रॉय ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर सारे रेबल क्लब एक रेबल लीग बना दें, आपको बता दूं रेबल क्लब में काफी अगर से डेम्पो संगोकर यू नो या इनके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकिंग है तो एक लीग बन सकती है, बट एएफसी और फीफा कैसे उसको देखता है तो उसको सिचुएशन देखना पड़ेगा, उसका लीगल वे देखना पड़ेगा कि फॉर्म कर पाते हैं कर पाते हैं। अगेन वो सिचुएशन हो जाएगी, अब क्रिकेट में सिचुएशन थी इंडियन क्रिकेट लीग होती थी आई थिंक 2007 में और इंडियन सुपर लीग होती मतलब इंडियन प्रीमियर लीग आई उसके बाद, तो वहां पे आप याद होगा तो प्लेयर्स को बैन कर दिया था बीसीसीआई ने। सेम थिंग एएफएफ कर सकती है, तो प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है, प्लेयर्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो रिस्क रहता है, तो कैसे करता है आई लीग को ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक नई लीग बनाने के बावजूद आई लीग को ही इसको लीगलाइज करें या आई लीग को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाए, मे बी लीग वन उसको एज अ सेकंड डिवीजन आने दीजिए, बट आई लीग को इंडिपेंडेंट कर दे कि आई लीग के क्लब चलाएंगे और जो ब्रॉडकास्टर होगा और फेडरेशन होगा उनको भी एक एक वोट मिलेगा जस्ट लाइक प्रीमियर लीग होती है। तो आई थिंक आई लीग को इंडिपेंडेंट चलने दीजिए, वो अपने उनपे आप जो उनको रूल्स बनाने उनको बनाने दीजिए और लेट इट बी लीग वन। अगर आपको प्रमोशन नहीं देना है तो आपको कंट्रोल भी मत कीजिए, अगर प्रमोशन नहीं मिलता आईएसएल में आई लीग क्लब को आई थिंक लेट क्लब रन दी लीग, उसमें टेम्पो सलवाकर जो भी क्लब बाहर गए हैं पहले वो भी वापस आ सकते हैं यू नो, अगर क्लब को लीग चलाने देंगे उनको अपने रूल्स जो भी फ्लेक्सिबल रूल्स बनाने हैं उनको बनाने दीजिए यू नो, आप उनकी हेल्प करिए, बट अगर आप उनको प्रमोशन नहीं दे रहे तो लेट इट बी अनदर लीग यू नो, अगर उनको डिफरेंट टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर मिलता है तो लेट इट बी, उन क्लब्स को भी एक इंडिपेंडेंट मतलब उन फ्रीडम मिलना चाहिए सब कुछ चूज करने का। आई लीग वोंट बी अलाउड इंडिपेंडेंट, इट शुड बी थ्रेट टू एफएसडीएल, यार आईएसएल इतना अच्छा है जैसे सब बोलते हैं, इतनी मार्केटिंग है, इतने मार्केट प्लेयर्स हैं, तो आई थिंक वो थ्रेट तो नहीं होना चाहिए। आई लीग में भी वैसे भी सारे टॉप प्लेयर तो आईएसएल में ऑलरेडी है जो इंडियन प्लेयर्स, आई लीग में सारे यंग प्लेयर्स हैं, तो एक ऐसा डेवलपमेंट लीग होनी चाहिए आई थिंक, तो उसको थ्रेट मेरे हिसाब से तो नहीं मानना चाहिए। इक्वल अगर कॉम्पिटिशन रहेगा तो दोनों लीग्स में भी अच्छा रहेगा वो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द केस ऑफ एफएसडीएल रूल फॉर आईएसएल क्लब हैव टू पे 15 करोड़ फॉर प्लेइंग इन आईएसएल, फ्रेंचाइजी फीस है, ये पूछा है इंडियन फुटबॉल हब ने, एक फ्रेंचाइजी फीस है 15 करोड़ की, तो उस 15 करोड़ से क्या होता है एक पूल ऑफ मनी बनता है जो आईएसएल एज अ ऑर्गेनाइजर लीग ऑर्गेनाइज करता है यू नो, उसमें स्टेडियम ऑपरेशंस होते हैं, स्टेडियम और क्या बोलते हैं मार्केटिंग मनी होता है कि लीग को कैसे मार्केट करना है, तो उस चीज के लिए एक सेंट्रल पूल ऑफ मनी बनता है जो जिसके लिए क्लब्स पे करते हैं। लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से फीजिबल नहीं है इस फीस का, अंटिल आप टीवी राइट्स वापस देते हो क्लब को 15 करोड़ क्लब से मांगना कब तक फीजिबल रहेगा, क्योंकि पैसे तो अभी भी क्लब लूज कर रहे हैं, प्रॉफिट तो वो भी नहीं बना रहे। कांट देयर बी अ 12 लीग क्लब इंक्लूडिंग मोहन बगान ईस्ट बंगाल लाइक अदर लीग्स इन यूरोप, नर्थेज यार ईस्ट बंगाल मोहन बगान ही क्यों, आइजोल क्यों नहीं, चेन्नई क्यों नहीं, शिलोंग क्यों नहीं, शिलोंग तो रेलिगेट हो गया, या मिनर्वा क्यों नहीं, अफकोर्स बड़े क्लब है, मेरे हिसाब से प्रमोशन होना चाहिए। आप ईस्ट बंगाल मोहन बगान को ले लीजिए आपको चाहिए तो अगर वो आ सकते हैं, बट लीग वन से एक टीम को प्रमोशन मिलना चाहिए हर सीजन, जो चैंपियन टीम उसको प्रमोशन मिले, आप रेलिगेशन मत कीजिए, आप अपनी फ्रेंचाइजी को प्रोटेक्ट करिए, उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट कीजिए, आप लीग वन से एक टीम को प्रोटेक्ट प्रमोट कीजिए हर साल, और अगर आपको और इसको सिस्टम सही करना है तो मे बी जो आई लीग टीम्स प्रमोट होंगी आई लीग उनके बीच रेलिगेशन चलने दीजिए। आई थिंक इतना अगर आप इतना भी कर देंगे तो आई लीग क्लब के पास एक होगा यू नो, एक प्राइज होगा खेलने के लिए लीग वन में। अभी तो आप बोल रहे हैं प्रमोशन नहीं होगा, आप लीग को कंट्रोल करोगे तो आई थिंक थोड़ा जस्टिफाई नहीं है उनके लिए। पवनीत कह रहे हैं बिग न्यूज के बारे में, यहाँ बिग न्यूज पे आऊंगा थोड़ी देर में, एक बार इस टॉपिक में अगर कोई और क्वेश्चन है वो लेके फिर अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक विल बी टॉप आईएसएल, अरे आईएसएल अब नाउ ऑन ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, मैंने बोल दिया मान के चलिए आईएसएल टॉप डिवीजन इंडिया की, इसलिए थंबनेल में भी हमने बोला कि आईएसएल टॉप डिवीजन है यू नो। 46 लोग देख रहे हैं, 37 लाइक्स है, अगर 50 लाइक्स कर पाए तो अच्छा रहेगा प्लीज। If I League gonna become second division, the club like Minerva Chennai who have deal with European club, they gonna go away, which is great loss for Indian football. यार ऐसा नहीं है कि उनकी deal सिर्फ इसलिए हुई कि top division है। आप देखोगे तो चेन्नई की deal है, जो मुझे अंदर से मैं स्विट्जरलैंड में अपने बात करी अपने connection से, वो deal वो basically academy खोल रहे हैं, एक अच्छी फुटबॉल रेजिडेंटल एकेडमी खुलने वाली है जो चेन्नई शायद खोलेगी, उसकी प्लानिंग चल रही है, डिटेल्स हमारे पास आएंगे आपको देंगे।
तो वो मोर ऑफ डील ग्रासरूट के लिए कि ग्रासरूट में कुछ करें, उनका आइडिया है कि हम मतलब चेन्नई सिटी से एक प्लेयर स्विट्जरलैंड लेके जाए, तो आई थिंक वो देख लेंगे एक मिडिल ग्राउंड अगर निकल पाए, यू नो मैं कह रहा हूँ प्रमोशन एक टीम को मिल जाए, लीग वन अगर जो होती है उससे एक टीम को प्रमोशन दे दे आईएसएल में तो काफी अच्छा रहेगा। पवनीत कह रहे हैं आवाज इको कर रही है, अकेले रूम में हूं तो इको कर रही होगी, मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूं कि ना करे। नसीम बोल रहे हैं ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, पीपल डाउन साउथ इंक्लूडिंग मी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी मच। नसीम आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, सो आई एम जस्ट सेइंग यू नो आईएसएल नाउ इज काइंड ऑफ टॉप डिविजन ऑफ इंडिया, नॉन ऑफिशियल अनाउंसमेंट विल कम, ऑफिशियल अनाउंसमेंट विल कम व्हेन द टेक्निकल कमिटी मीटिंग विल हैपन। अक्षय सेज मनी इज द मेन प्रॉब्लम, आई थिंक या बट विदाउट मनी यू कैन नॉट ग्रो, इफ इंडियन फुटबॉल नीड टू गो अप आई थिंक यू नीड मनी, पैसा चाहिए होगा अगर हमें फुटबॉल को आगे बढ़ाना है, तो देखिए बैलेंस निकालना पड़ेगा हर चीज का, मनी का, पैशन का, लेगेसी का, यू नो मार्केटिंग का, हर चीज का बैलेंस होगा। अब कोई कह रहा हिंदी में बोलो, यार भाई मिक्स करता हूँ हिंदी इंग्लिश, कोशिश करता हूँ दोनों चीज बोलने की, बट थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। What happened to the National Center of Excellence? आदित्य last news ये थी कि कोलकाता में शायद land offer हुई है AIFF को National Football Excellence के लिए, उसके बाद कोई news आई नहीं, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं पता करता हूँ अगर कोई news आ पाती है तो next week के episode में जो Friday होगा उसमें बात करते हैं। Any marquee player in coming in ISL? इस पे आते हैं आशीष भाई, IL clubs are named to the top European clubs, what will happen to them? यार मेरे हिसाब से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो IL club में tie up आ रहे हैं वो mostly grassroot के लिए tie up है, you know? तो वो आई थिंक वो स्टिल रहेंगे क्योंकि वो ग्रासरूट पे, बट एक प्रमोशन मिल जाता तो सही रहेगा। आई लीग एज अ प्रोडक्ट हैवंट सक्सेसफुल फॉर लॉन्ग टाइम, डेनिट बोल रहे हैं। डेनिट अगर नहीं सक्सेसफुल है तो किसकी गलती है? सिर्फ आई लीग क्लब की गलती नहीं है, एज अ फेडरेशन, एज अ मार्केटिंग पार्टनर उनकी भी गलतियां हैं, तो ये ब्लेम सिर्फ आई लीग क्लब पे डालना तो अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, यू नो यहां पे गलती सबकी है, एक इकोसिस्टम की गलती है, तो सबको अपना ब्लेम लेना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ आई लीग क्लब पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि आपका सिस्टम फेल है, आपकी लीग फेल है, इसलिए आईएसएल आया है। भाई क्रिकेट पे इतना पैसा है, अदर स्पोर्ट्स के लिए इक्वल मनी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यार क्रिकेट पे पैसा गवर्नमेंट ने तो इतना नहीं डाला, उन्होंने अपना पैसा जनरेट किया है, तो वैसे ही जनरेट करना पड़ेगा सबको। अभी जो आप देखोगे नेशनल इंडिया का एज अ गवर्नमेंट काफी इन्वेस्टमेंट है अदर स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली पैसा नहीं जनरेट कर पाते, तो फुटबॉल में भी इन्वेस्टमेंट है, तो जितने सारे एक्सपोजर टूर हो रहे हैं यू टीम्स के, जो हम रशिया जाते हैं खेलने के लिए कहीं जाते हैं, तो वो सारे से इंडियन गवर्नमेंट से उसके लिए पैसा आता है, सारा तो नहीं बट कुछ पैसा आता है उसके लिए भी, तो पैसा बहुत जरूरी है, वो एग्री करता हूँ। इफ आईएसएल बिकम टॉप डिविजन आई लीग सेकंड डिविजन विद प्रोमोशन डेलीगेशन, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम तो है नहीं, चलो अब इस टॉपिक में काफी बात होगी, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन फुटबॉल टीम बेस्ट 11, तो अब कैंप स्टार्ट होने वाला है, मेरे पास मैंने अपनी बेस्ट 11, मुझे जो लगता है कि इंडियन फुटबॉल की बेस्ट 11 क्या होती है वो बनाई है एक, तो आप लोग बताना वो कैसी है, यू नो कैसा है क्या है। 35 मैन की स्क्वाड अनाउंस हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो आपको पता होगा आनस उसमें वापस आए थे, देवेंद्र सिंह भाई आए, देवेंद्र सिंह भाई हमने आईएसएल और आई लीग के बारे में बात करी, आप पीछे जाके देख सकते हैं थोड़ा सा, या फिर ऑफलाइन होगा तो देखना। अब अगला टॉपिक हम बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एक किसी ने कम्युनिटी टैब में डाला था कि व्हाट शुड बी इंडियन टीम बेस्ट 11 एंड विच कैन बीट सीरिया, यू नो, तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और प्लस मैं जो सोचता हूँ कि कोच क्या सोच रहा है, जिस तरह का सिलेक्शन उनका है, यू नो, तो उमेश सिन्हा भाई भी आ गए लास्ट वीडियो में थे, तो उस हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि बैक थ्री खेल सकती है इंडिया, जिस तरह का मंदारा और देसाई का सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने लेफ्ट विंग बैक और लेफ्ट बैक खेला था एफसी गोवा के लिए मोस्ट ऑफ द सीजन, तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग बताना कि कैसे होगा। यू नो मैंने अपनी एक बेस्ट 11 बनाई थी, गोल में गुरप्रीत सिंह संधू की परफॉर्मेंस थोड़ी अप डाउन रही है, तो अभी मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा, बट अमरिंदर सिंह एक अच्छे ऑप्शन है इंडिया के लिए, जो ट्राई किया था किंग्स कप में, तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन जो कैंप लगने वाला है उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं दोनों गोलकीपर, आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं, तो कोई भी हो तो मेरे पर मैं गुरप्रीत को फर्स्ट चॉइस लेके चलता हूँ, क्योंकि कैप्टन कर चुके हैं इंडिया के लिए, तो वो भी अच्छा रहेगा। मेरा थोड़ा सरप्राइज है, मैं बैक थ्री जाऊंगा, मैं अनस, संदेश एंड आदिल, यू नो इन तीनों को लेके जाऊंगा, तीनों अच्छे डिफेंडर है, तीनों टैकल्स मार सकते हैं, तीनों बॉल प्लेइंग मतलब सेंटर जो अच्छे पासिस कर सकते हैं, तीनों डिफेंडर यू नो पुश कर सकते हैं, तो मैं बैक थ्री जाऊंगा, अनस, संदेश एंड आदिल, यू नो आदिल आपके मिडफील्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, खुद मिडफील्डर है तो मिडफील्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आदिल एज अ यू नो आप इसको एज अ फ्लोटिंग सेंटर बैक जो एक मिडफील्ड में जा सकते हैं वो करूंगा। उसके बाद दो विंग बैक मेरे होंगे, लेफ्ट विंग पे मेरे पास होगा मंदारा और देसाई, मुझे लगता है बहुत अच्छे अटैकिंग प्लेयर है, उन्होंने अपने डिफेंसिव साइड ऑफ गेम में भी बहुत काम किया है,
तो आई थिंक मंदारा देसाई कैन बी दैट लेफ्ट विंग बैक हु कैन हेल्प इन अ डिफेंस एंड अटैक एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड द नेचुरल विड्थ. जो विड्थ नहीं मिल रही थी इंडियन टीम को अभी किंग्स कप में वो मंदारा देसाई कर सकते हैं. राइट साइड पर राहुल बेके, राहुल बेके अटैकिंग बहुत अच्छे हैं बट अगर वो बैक फोर खेलते हैं तो बहुत स्पेसेस छोड़ते हैं अपने पीछे और आउट ऑफ पोजिशन जाते हैं. तो आई थिंक बैक थ्री उनको भी हेल्प करेगा एज अ विंग बैक आई थिंक. तो मेरे हिसाब से राहुल बेके अगर इंस्टेड ऑफ प्रीतम कोटाल जो सिलेक्शन है, देन मिडफील्ड में मेरे दो नंबर सिक्स या नंबर एट आप बोल दीजिए जिस तरह आपको लेना हो, अनुरुद्ध थापा होंगे एंड सेकेंड होगा अमरजीत सिंह. मे बी अमरजीत सिंह एज अ यू नो डिफेंसिव मिडफील्डर एंड देन साथ में सपोर्ट करेंगे अनुरुद्ध थापा एज अ यू नो. ये दो मिडफील्डर हो गए, उनके आगे मैं दो और मिडफील्डर लूंगा. इंस्टेड ऑफ टू स्ट्राइकर आई विल जस्ट प्ले वन स्ट्राइकर बट दो नंबर टेन यू नो, एक सहल अमेजिंग टैलेंट और सेकंड टैलेंट सेकंड ब्रेंडन फर्नांडिस आई थिंक वो भी बहुत अमेजिंग है. तो दो काइंड ऑफ नंबर टेन जो मिडफील्ड में ड्रॉप कर सकते हैं और अटैक में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, दोनों गोल स्कोर कर सकते हैं, दोनों असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों ड्रिबलिंग कर सकते हैं, दोनों का बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है, दोनों क्रॉसेस डाल सकते हैं. तो उन दोनों को जस्ट बिहाइंड छेत्री एंड उदानता के बारे में सवाल पूछा है तो उस पर आऊंगा मैं. उदानता को कहां देखता हूं तो उदानता को मे बी सहल या ब्रेंडन में से एक उदानता को भी ट्राई कर सकते हैं बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है यू नो. वॉट प्रोवाइड फिजिकल मेरे हिसाब से मैं तो सुभाषीष मंदारा मंदार को चूज करूंगा एनी डे. इंजर्ड थे तो कोच उनको बुलाया है यहाँ पे यू नो. तो मेरे हिसाब से मेरी जो लाइनअप होगी गुप्त सिंह संधु गोल में, अनस संदेश आदिल, आदिल एज अ फ्लोटिंग सेंटर बैक जो मिडफील्ड में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अटैक में भी जा सकते हैं, पासिस कर सकते हैं फ्रॉम बैक. देन टू मिडफील्डर्स होंगे जो काइंड ऑफ डिफेंसिव या सेंटर मिडफील्डर अनुरुद्ध थापा एंड अमरजीत सिंह की, साथ में रेनियर फर्नांडिस भी हो सकते हैं. पन्नाडार मुझे अब लगता है उनका टाइम थोड़ा सा चले गया मेरे हिसाब से, तो नए मिडफील्डर जो आ रहे हैं थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं उनसे. और उनके आगे दो क्रिएटिव मिडफील्डर सहल एंड ब्रेंडन फर्नांडिस और उनके आगे हमारे कप्तान सुनील छेत्री. और अगर सुनील छेत्री को रेस्ट करते हैं तो जॉबी जस्टिन को ट्राई कर सकते हैं या उदानता या ब्रेंडन या आशिकी कुरान भी आ गए. तो एक और नाम जो मैं मिस किया आशिकी भी है, तो आशिकी एज अ यू नो सहल ब्रेंडन के रोल में उनको भी ट्राई कर सकते हैं. अब मैं थोड़े आप मुझे क्वेश्चन भेजिए इस टॉपिक से, वीडियो खोलता हूँ क्वेश्चन देखता हूँ. आपने जो क्वेश्चन भेजा है, एक क्वेश्चन है योर थॉट्स एज अ यू नो ब्रेंडन एज अ डीप लाइन प्ले मेकर. यार उन्होंने अच्छा किया था बट मेरे हिसाब से ब्रेंडन को थोड़ा अगर फ्रीडम देंगे वो अटैक में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है. जिस तरह के उनको उनका विजन है पास करने का, थ्रू बॉल डालने का, उन्होंने देखा होगा आपने किंग्स कप में जो एज अ डीप लाइन प्ले मेकर जो बॉल्स डाली थी, थ्रू बॉल डाली थी, चिप बॉल, वो भी बहुत अच्छी थी. तो इसलिए मैंने दो क्रिएटिव मिडफील्डर रखे. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ब्रेंडन कैन यू नो ड्रॉप टू दी डीप लाइन पोजिशन एंड देन प्ले दोस पासेस एंड सहल कैन प्ले जस्ट बिहाइंड छेत्री. तो मेरे हिसाब से ये होगा. अकम बोल रहे स्पीक इन इंग्लिश ब्रदर, आई एम जस्ट सेइंग दिस यू नो ब्रेंडन एंड सहल कैन प्ले द क्रिएटिव मिडफील्डर जस्ट बिहाइंड छेत्री एंड जस्ट अहेड ऑफ अमरजीत एंड अनुरुद्ध थापा. सो आई विल ट्राई टू मिक्स अप इन इंग्लिश एंड हिंदी, थोड़ा आप डोंट माइंड यू नो, आई विल ट्राई टू ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश बट काफी लोग हिंदी में भी चाहते हैं तो मिक्स करने की कोशिश करूंगा. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ उमित सिंह? यार उमित सिंह मुझे लगता नहीं कि खेलेंगे. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू हिज एजेंट, ठीक है. तो जब तक इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलता खेल नहीं सकते हैं, वो दो पासपोर्ट नहीं होल्ड कर सकते एट एनी सिचुएशन बिकॉज इंडिया लीगली अलाउ नहीं करता दो पासपोर्ट. आपने देखा हो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन पासपोर्ट छोड़ के बाहर का पासपोर्ट ले लेते हैं बिकॉज इंडियन पासपोर्ट और बाहर का पासपोर्ट साथ में नहीं रख सकते हैं. आई लीग एज अ प्रोडक्ट, यार आई लीग के बारे में बात कर लिया यार डेनिट भाई. डेनिट यू हैव स्पोक अबाउट आई लीग, यू कैन गो बिहाइंड एंड यू नो वॉच इट, यू कैन ऑल्सो वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो गोज ऑफलाइन, यू कैन टॉक कैन सी व्हाट आई हैव सेड अबाउट आई लीग. भाई डू यू थिंक आइगर स्टॉर्मिक इज द बेस्ट बेट? आइगर स्टॉर्मिक यार अब तक आई लाइक हिम व्हाट एवर ही हैव डन यू नो, उनपे नेशनल टीम का एक्सपीरियंस है जो बहुत हैंडी होता है. काफी लोगों का फेवरेट एल्बर्ट रोका था, आई थिंक इज अ वेरी गुड कोच, पर नेशनल टीम कोच करना थोड़ा अलग होता है. आप देखोगे जो क्लब कोचेज होते हैं वो एक साथ तक अपनी टीम के साथ 6 से 8 महीने रहते हैं, पूरे सीजन में रहते हैं, तो दे कैन इंप्लीमेंट देयर टैक्टिक्स बेटर यू नो बिकॉज टाइम मिलता है. बट नेशनल टीम में आपको ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, आप जस्ट आपके अलग अलग क्लब सा प्लेयर पिक करते हो और फिर आपको उनको खिलाना है. 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग सेशन में एक फॉर्मेशन बनानी है, एक टैक्टिक्स बनानी है जो आपको मैच जिता सकता है. तो आई थिंक इसलिए उनको नेशनल टीम का एक्सपीरियंस की वजह से उनको आई थिंक चूज किया गया है एल्बर्ट रोका के ऊपर. आशु भाई बोल रहे फारुक चौधरी नीड इंप्रूवमेंट, आई थिंक ऑल्सो सो. फारुक चौधरी के पास वो अच्छा चांस था वन ऑन वन
वीडियो छेत्री होना चाहिए फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस मेरे से जॉबी जस्टिन सपोर्टेड है बलबन अंटिल अनलेस जेजे कमबैक्स. तो आई थिंक ये टॉपिक हमने बात कर ली है. विल वी सी सेकंड साइड इन इंटरकॉन्टिनेंटल साइड इंटरकॉन्टिनेंटल कप हंटर बोल रहे हैं. मेरे हिसाब से तो नहीं, कोच एक्सपेरिमेंट करेगा बिकॉज अल्टीमेटली एम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप नहीं है. जो हमने किंग्स कप में देखा बहुत बड़ा बोल्ड मूव था थाईलैंड के अगेंस्ट एक फ्रेश स्क्वाड उठाना, तो आई थिंक वो विल एक्सपेरिमेंट थोड़ा बैलेंस करके करना चाहिए क्योंकि रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मीडिया में तो रैंकिंग की बात करते हैं सर लोग, जो नॉन ट्रेडिशनल फुटबॉल मीडिया, तो वहां रैंकिंग अगर अच्छी जाती है तो वो लोग बात करते हैं हमारे बारे में. तो थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट इन्हीं टूर्नामेंट में इन्हीं मैचेस में होता है. वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो. चिन्मय में बोल रहे हैं क्या लगता है जॉबी जस्टिन विल बी नेक्स्ट छेत्री. भाई मैं छेत्री भाई से किसी को कंपेयर नहीं करूंगा. जॉबी की अपनी एक टैलेंट है, एक अपने उनके पास उनके खुद के फीचर्स है, खुद की एबिलिटीज है. होपफुली वो सेम, अभी उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने गेम पे. तो आई थिंक अगर अपनी क्लब फॉर्म रेप्लीकेट कर पाए नेशनल टीम के लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. क्या भाई ओमर सिंह का पासपोर्ट का क्या हुआ है? भाई लास्ट अपडेट जो थी वही है मेरे पास कि उसको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है. मेरे हिसाब से वो कैंप में आएगा, कोचिस से मिलेगा, AIFF के ऑफिशियल से मिलेगा, एंड तब हमारे पास अपडेट होगी कि क्या डिसीजन उसने लिया. डिसीजन उसको लेना है कि क्या बोलते हैं उसको अपना ईरान का पासपोर्ट गिव अवे करना है और इंडियन पासपोर्ट लेना है कि नहीं लेना है. आई थिंक इसके केस में इजी होगा, यू नो, कि क्योंकि ईरान का पासपोर्ट इतना पावरफुल नहीं है यूरोपियन पासपोर्ट से. यार बिग न्यूज के बारे में अभी तक कोई न्यूज नहीं. आई थिंक इस वीक के एंड में मैं अपने सोर्स से फिर से बात करूंगा क्या बोलता है. उसके बाद मेरी वेबसाइट पे जैसी होता है कंफर्मेशन, जैसी डील साइन हो जाएगी डॉटेड लाइन पे, मैं वो आपको हम वेबसाइट पे डालेंगे. रोनाल्डो मेसी पोग्बा ऑल्सो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर, सबको क्यों नहीं लाते आईएसएल में? सुनील सिंह बोल रहे हैं रोनाल्डो मेसी पोग्बा. भाई आप उनकी एक हफ्ते की जितनी वेजेस होती है ना, पोग्बा की जितनी वेजेस होगी उतना तो हमारे एक आईबी क्लब का बजट हो जाता है. तो आप देखिए अभी सेंसिबल नहीं है बड़े प्लेयर को लाना, बैलेंस होना चाहिए. आई थिंक हमें ग्रासरूट में इक्वल मनी डालना चाहिए जितना मनी आप एक क्लब में डाल रहे हैं. यू नो वॉज सेलेक्शन प्रोसेस फॉर इंडियन कोच फेयर. यार पहली बार सारे जो फैंस हैं वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं कि इनफॉर्म प्लेयर्स जो आए उनको लिया गया. तो आई थिंक उन्होंने काफी अपना होमवर्क किया है, चाहे वीडियोस देखे हैं, जो भी किए हैं, कोचिस से बात किए, तो काफी सारे प्लेयर्स को चांस मिला. आप सहेल की बात करिए, ब्रैंडन की बात करिए, यू नो आप जॉबी जस्टिन को कैंप में बुलाया, बंदारो देसाई, राहुल बेके, यू नो आदिल खान, तो काफी डिजर्विंग बंदे को कॉल अप आया था. भाई आपका क्या जॉब है सुमन सिंह? मैं AIFF में जॉब नहीं करता हूँ यार, मैं खेल रहा हूं, मैं काम करता हूँ, तो मेरी कोई AIFF में कोई रोल नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचना. नहीं देवेंद्र भाई, मेरी जो न्यूज है वो ISL आई लीग के बारे में नहीं है कि ISL इज द टॉप लीग. वो न्यूज थोड़ी हटके है, थोड़ा तो सोच भी नहीं पाएगा, बट वो न्यूज काफी बड़ी अगर होता है तो हमारे फुटबॉल के लिए बहुत अच्छी खबर है. नेक्स्ट टॉपिक में आई थिंक मूव करते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक रखा था राहुल केपी का होम कमिंग एंड नोंगदम्बा नोरेम का लोन मूव. मैंने पिछले वीडियो आपसे बात की थी, अगर किसी प्लेयर को लगता है नोंगदम्बा नोरेम जैसे यंग प्लेयर को टाइम नहीं मिल रहा है तो उसको लोन मूव करना है, उन्होंने वो ही किया है. वो मोहन बगान गए हैं केरला ब्लास्टर से. अब देखिए मोहन बगान में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा आई डोंट नो, बट एटलीस्ट उन्होंने देखा कि अगर केरला ब्लास्टर में उन्होंने राहुल केपी साइन किया है, जो भी विंगर है राइट विंग पे खेलते हैं, लेफ्ट विंग खेलते हैं, और वो लोकल टैलेंट है, लोकल केरला का टैलेंट है. आई एम श्योर क्या बोलते हैं केरला के फैंस उनको बहुत प्यार करेंगे, करते भी हैं अभी, और काफी डिमांड थी काफी टाइम से, यू नो केरला के फैन की कि राहुल केपी को साइन कीजिए. वो हुआ तो उन्होंने अपना डिसीजन लिया और मोहन बगान जा रहे हैं. मोहन बगान के फैंस भी बहुत पैशनेट है, वो भी टैलेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं. आई थिंक अगर थोड़ा खराब खेले तो आप उनको डिस्करेज मत कीजिए, इंकरेज कीजिए. यंग टैलेंट है, हम चाहते हैं कि हमारे यंग प्लेयर्स अगर अच्छा खेलेंगे तो इंडियन फुटबॉल के अच्छा रहेगा. तो आई थिंक बैलेंस डील है. राहुल केपी को घर आने को मिल गया केरला, एंड यू नो नोंगदम्बा नोरेम मोहन बगान जा रहे हैं लोन पे. यार बिग न्यूज के बारे में बताया आपको मैं, यार अगर बता दूंगा ना तो कुछ खराब हो जाएगा, मतलब मैं चाहता नहीं डील खराब हो जाए. आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे ही होगा अपनी वेबसाइट पे आपको डाल देंगे. डायरेक्ट सेज इगोर वाज द राइट पर्सन देन एनी कोचेस, ही न्यू व्हाट हिज रोल इज व्हेन ही अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू. मोरओवर यू विल सी सीइंग अ ग्रेट पासिंग गेम, फर्स्ट टाइम इंडिया सिंस डिफीटेड यूए इंडिया. टोटली एग्री यार, जो जो फैंस को चाहिए था मुझे लगता है उन्होंने ना फेसबुक पेजेस पे फोरम्स पे देखा कि फैंस क्या कमेंट करने वाले हैं, यू नो, तो जो जो फैंस ने कमेंट किया वही कर रहे हैं, उन्हीं प्लेयर्स को कॉल अप कर रहे हैं, पॉजिटिव फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फैंस को पसंद आ रहा है तो वो भी खुश है और हम भी खुश है. यार 49 लाइक्स हुए, यार लाइक कर देंगे 50 कर देते हैं यार, 45 लोग देख रहे हैं, अगर 50 लाइक्स कर देंगे तो अच्छा रहेगा. When will national team camp start? National team I think 25th से start हो रहा है, confirmation नहीं है, but मैंने सुना था 25th से start हो रहा है.
इज आईएसएल नाउ स्टार्टिंग न्यू क्लब. भाई हम कैसे क्लब स्टार्ट करेंगे यार, हम तो सपोर्ट करते हैं छोटे क्लब्स को जो छोटे लेवल पे भी हैं. आपको अगर कोई लगता है कि इस क्लब को हमारा सपोर्ट चाहिए, हम करने को तैयार है. नेशनल कैंप. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हाँ, एक जेजे के लिए आप होपफुली उनके इंस्टाग्राम पे जाइए, उनको गेट वेल सून बोलिए. जेजे की अपडेट यह है कि जेजे ने जेजे की सर्जरी हो गई है. यू नो आप लोगों को पता होना, हमने एक आर्टिकल किया था, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं. जेजे ने एक मैसेज डाला है सारे फैंस को, उनकी सर्जरी हो गई है, सर्जरी वेंट वेल. उनका मैं मैसेज आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो उन्होंने इंडियन फुटबॉल फैंस को दिया है. As you may be seeing, I have been missing from Indian football team and Chennai FC due to my injury suffered earlier in the season. Today I have successfully undergone surgery and already looking forward to getting back on the field really soon. Thank you for all those who shown their support throughout this period. And उन्होंने अपना एक नीजो में एक हैशटैग डाला है प्लस JJ12. I think आप उनको जाके बोलिए get well soon. काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है. आई थिंक एक इंजरी शायद रीजन हो सकता है कि उनकी वो पिछले सीजन आउट ऑफ फॉर्म थे. उन्होंने फोटो डाली है थम्स अप करके अपने इंस्टाग्राम पे. हमने आर्टिकल भी किया, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं. मैं एक अगर आप वीडियो खत्म होने के बाद आप देखना. एक और यार, एक और बीच में खबर, एएफसी कप में चोट लगी पिछले वीडियो बात में, अर्शदीप सिंह जो मिनर्वा के गोलकीपर है और सीके विनीत में कोलिजन हुआ और अर्शदीप सिंह को आईसीयू में ले जाना पड़ा. उनके बहुत ब्लीडिंग हो गई थी, इनको अभी सर्जरी उनकी साथ होनी है. लास्ट हमें जो अपडेट मिली थी मिनर्वा से ये कि वो आउट ऑफ डेंजर है, बट बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है उनके, इसलिए सर्जरी करनी पड़ रही है. बट मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो लोगों तक नहीं पहुंचती. कई बार हम वेबसाइट पे डाला था बट पिछले वीडियो में रह गया था. तो उनके लिए भी प्लीज प्रे करना, उनको भी विशेष करना, अर्शदीप सिंह को जो मिनर्वा का गोलकीपर है उनकी सर्जरी होनी है. काफी सीरियस इंजरी उनको लगी थी. सीके विनीत ने भी बोला कि ऑफकोर्स इंटेंशनल तो कभी नहीं होता है कि उनको विश किया था. तो ये एक टॉपिक था, मुझे लगा इस बारे में हमें बात करनी चाहिए. अर्शदीप सिंह के बारे में और जेजे के बारे में, दोनों को सर्जरी जेजे की हो गई है, अर्शदीप की हुई है कि नहीं हुई है, बट उनको आप विशेष करना. नेक्स्ट टॉपिक जो एक काफी कमेंट था, कोल्हापुर के लोग कमेंट कर रहे थे, झारखंड के लोग कमेंट कर रहे थे कि वी शुड टेक इंडियन फुटबॉल टू न्यू सिटीज. आई थिंक मैंने लास्ट वीडियोस में बात किया था आपसे, गेम को स्प्रेड करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मासेस का गेम बनना चाहिए इंडियन फुटबॉल. आई थिंक अगर मासेस का गेम बनाना है तो झारखंड में बहुत क्रेज है फुटबॉल का. वहां के जो प्लेयर्स भी हैं, जो झारखंड के प्लेयर्स आप देखोगे, वो उनकी बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है. मोस्टली आप विलेजेस से आते हैं, उनकी खाने की हैबिट दूसरी होती है. तो हमें जितना स्प्रेड करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में स्ट्रॉन्ग बिल्ड मिलती है आपको, नॉर्थ ईस्ट में आपको तेज फास्ट प्लेयर मिलते हैं, झारखंड में अगेन आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मिलेंगे, कोल्हापुर में क्रेज इतना है फुटबॉल का. कभी लोगों को पता नहीं, मैं कोई इंसिडेंट बताता हूँ. एक मैच हुआ था इंडियन वुमेन्स टीम को डच 11 का, एक डच की कुछ प्लेयर्स नेशनल टीम के प्लेयर्स आए थे, 2012-2013 की बात है, और आई थिंक 15,000-20,000 लोग उस मैच को देखने आ गए थे कोल्हापुर में. तो कोल्हापुर में बहुत क्रेज है, बहुत क्रेजी सिटी है कोल्हापुर. आप फोटोज देखेंगे, लोकल टूर्नामेंट में बहुत क्राउड आती है. तो आई थिंक क्लब्स को, आईएसएल को, क्योंकि जो सुपर कप का जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में लेके जाना चाहिए, या जो प्री सीजन टूर्नामेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में करना चाहिए, तो उतना अच्छा रहेगा. तो जितनी ज्यादा हम गेम स्प्रेड करेंगे, कश्मीर हो गया, साउथ में आप चेन्नई में हम गेम गया है, केरला में गया है, हैदराबाद हो गया, झारखंड हो गया, मे बी यूपी बिहार, कुछ पता नहीं यार, हिंदी बेल्ट में भी करना चाहिए, लोग फुटबॉल के फैंस तो वहां पे भी है. उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से अनुरुद्ध थापा उत्तराखंड से है, रोहित धानो उत्तराखंड से है, और भी प्लेयर उत्तराखंड से टीम में, तो वहां भी गेम स्प्रेड करना होगा, पंजाब में गेम स्प्रेड करना होगा. तो जितना ज्यादा गेम स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा. अभी कमेंट्स ले लेते हैं कुछ. बिग न्यूज की डील में AIFF इन्वॉल्व है. आई थिंक बिग न्यूज की डील में AIFF इन्वॉल्व है. फुटबॉल और जो फुटबॉल स्टेक होल्डर्स है वो भी इन्वॉल्व होंगे, जो प्लेयर्स के भी कुछ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्वॉल्व होगी. तो काफी बड़ा एक लेवल का वो काम है, और जैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. इफ आई एम नॉट कोल्हापुर एज अ टीम इन्वाइटेड लास्ट ईयर, हर जगह क्लब्स है, नागपुर में भी क्लब है, कोल्हापुर में भी क्लब्स है, बट उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा. मे बी एक अगर यू नेवर नो एफसी पुणे सिटी जो महाराष्ट्र की टीम है, अगर आपसे कोल्हापुर में खिला देंगे आपको फुल हाउस क्राउड मिलेगी. आपको मैं ये लिख के दे सकता हूँ बात को कि कोल्हापुर में इतना क्रेज है, तो एफसी कोल्हापुर क्यों नहीं. मे बी आईएसएल अगर वहां से होता है, अगर स्टेडियम बना पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है आईएसएल के लिए, अगर वो कर पाए तो अच्छा रहेगा.
Kalinga and Bangalore is great revolution for Indian football. Ahmedabad would be great experiment. We should expand matches to non-football cities. BFC is from non-footballing city. Bangalore, non-footballing city. Bangalore is not a non-footballing city. वहाँ पे काफी history है football की. There is a big tradition of football in Karnataka and Bangalore. It just in recent time it was down, you know, and Bangalore came and it got picked up. Same in Kochi, Kerala. Recent time development was low, then Kerala Blaster came and scenario changed. If same thing can done in Hyderabad, where there is a tradition of football, जहाँ पे football का tradition है Hyderabad में, तो वहाँ पे भी football revive हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? What is the latest news about Pune city? पुणे सिटी की लेटेस्ट न्यूज ये है कि उनकी इन्वेस्टर से बात चल रही है एंड देन न्यू इन्वेस्टर विल डिसाइड कि उनको कहाँ जाना है. उनको हैदराबाद जाना है, उनको उड़ीसा जाना है या उनको पुणे में कंटिन्यू करना है, वो नए इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे. आई थिंक वो फाइनल राउंड में ही होगा, अगले एक या डेढ़ वीक, वन या 1.5 वीक में पता चल जाएगा क्या होने वाला है. इंटरनेट कप कौन से स्टेडियम में होगा? आशु इंटरनेशनल कप अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडियम में होगा, उसका वीडियो हम बना रहे हैं. Maybe first week of June, July में ही बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा कैमरामैन अहमदाबाद में नहीं है. तो जैसे ही वीडियो आएगा आप देखेंगे हमारे चैनल पे, हम पूरा एक टूर करवाएंगे आपको वहाँ. उनके जो CEO है या प्रेसिडेंट है उनसे भी बात करवाएंगे कि क्या क्या तैयारी उन्होंने करी है बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए. एनी न्यूज अबाउट गौरव मुखी? यार गौरव मुखी की न्यूज वही थी, बैन सर्व करेंगे, वापस आते हैं, देखते हैं कितना सपोर्ट मिलता है जमशेदपुर से और इंडियन फुटबॉल फैन से. मेरे हिसाब से मुझे ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं थे एज फ्रॉड के लिए. एज फ्रॉड इंडियन फुटबॉल में होता आ रहा है बहुत टाइम से, मे बी आज भी हो रहा होगा. एंड काफी बहुत कोचिंग वगैरह, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं फेडरेशन, स्टेट फेडरेशन. तो अकेले प्लेयर को बैन कर देना बोल रहा है वो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से गलत है. टैलेंटेड प्लेयर था और वो ISL खेल रहा है. ISL कोई एज ग्रुप टूर्नामेंट नहीं है, यू नो. उसमें उन्होंने उसको ऐसा बोला कि टॉप यंगेस्ट गोल स्कोरर, उस वहां से ही मुद्दा निकल आया. बट यार वो खेल तो एज अ सीनियर प्लेयर ही रहा था ना, ऐसा तो है नहीं जो कोटा है कि अंडर 16 प्लेयर से वो खेल रहा था. तो मेरे हिसाब से इसके साथ सही नहीं हुआ. पनिशमेंट डिजर्व करता है, बट बाकी लोग भी पनिशमेंट डिजर्व करते हैं. बाय फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर एशिया ड्रॉ कब आएगा और इंडिया के लिए सबसे इजी कौन टीम होंगे? मैं एक बार आपको बताता हूं इंडिया के लिए इजी टीम कौन होंगे. मैं जस्ट एक बार पॉट खोल लेता हूं कि क्या पॉट है. जस्ट आप एक सेकंड दीजिए, मैं एक लिंक खोलता हूं, उसको पॉट देखता हूं, फिर आपको बताता हूं. आप इतने अपने कमेंट्स भेजिए कि आपके हिसाब से क्या फेवरेट होगा. मैं अपने अपने पॉट्स बताता हूं कि मेरे हिसाब से क्या फेवरेट होने वाला है. मतलब मेरे हिसाब से इंडिया के लिए सबसे बेस्ट क्वालिफायर क्या होगा? तो पॉट वन में है जापान, साउथ कोरिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, कतार, UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना. मैं तो यहाँ पे UAE एंड चाइना, एनी इन इस स्पॉट से UAE और चाइना मिल जाए आई थिंक बेस्ट रहेगा. कतार तो यार बहुत डेंजर टीम है इस टाइम पे यार, देवेंद्र सिंह तो ना मिले तो ठीक है. आई थिंक मेरे हिसाब से UAE चाइना के साथ हमारे पे थोड़ा चांस रहेगा, स्पेशली होम ग्राउंड पे. चाइना के साथ रिसेंट ड्रॉ खेला हमने, यू नो. तो इधर बाकी अगर जापान, साउथ कोरिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया इग्नोर कर पाए तो अच्छा रहेगा, सऊदी अरेबिया इग्नोर करे तो अच्छा रहेगा. तो एनीथिंग बिटवीन कतार, UAE एंड चाइना, माय फर्स्ट ऑप्शन शुड बी UAE. बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हमें UAE में, तो वो भी एक फैक्टर काम करता है. तो UAE मेरा फर्स्ट चॉइस होगा, चाइना सेकंड एंड कतार मेरा थर्ड चॉइस होगा. पॉट टू में है इराक, सीरिया, उज़्बेकिस्तान, लेबनान, ओमान, किर्गिस्तान, जॉर्डन, वियतनाम. यहाँ पे मेरा फर्स्ट चॉइस होगा ओमान और सेकंड किर्गिस्तान फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस ओमान. इन दोनों में से कोई भी मिलेगा तो हमारे लिए बहुत सही है. वियतनाम बहुत डेंजर टीम है तो उनको इग्नोर करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि पॉट टू की टीम को हमें हराना है दोनों मैचेस में, तो हमारे अच्छे चांसेस होंगे, यू नो. पॉट थ्री में है पैलेस्टीन. पॉट थ्री से कोई इंडिया पॉट थ्री में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. कतार अगले राउंड में नहीं जाएगा, पर कतार एशिया कप के क्वालिफायर आई थिंक वो खेलेगा, क्योंकि कतार एशिया कप नहीं कर रहा है क्वालिफायर, क्योंकि कंबाइंड है वर्ल्ड कप एशिया कप क्वालिफायर कंबाइंड, तो इग्नोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. पॉट फोर से हम मेजोरिटी टीम्स को हरा सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, हांगकांग, येमेन, अफगानिस्तान, मालदीव्स, कुवैत, मलेशिया, एनीथिंग बिटवीन. अगर मालदीव्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अफगानिस्तान मिल जाए वो भी अच्छी बात है, मलेशिया भी अच्छी बात रहेगी. हमें इग्नोर करना है कि कुवैत को, म्यांमार को तो हमने अभी हराया था पिछले ही क्वालिफायर्स में, तो उनको हम फिर से हरा सकते हैं. हांगकांग को हम हरा सकते हैं. तुर्कमेनिस्तान थोड़ी अवे गेम थोड़ा बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, बहुत दूर है इंडिया से, तो आई थिंक म्यांमार, हांगकांग, अफगानिस्तान, मालदीव, मलेशिया, कुवैत थोड़ी डेंजर टीम है, तो कुवैत को इग्नोर करेंगे तो अच्छा रहेगा. पॉट फाइव से सिंगापुर, नेपाल, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मंगोलिया, बांग्लादेश, गुआम, श्रीलंका. यार कोई भी मिल जाए, पर मैं तो चाहता हूँ नेपाल मिले. जो मजा नेपाल को हराने में है वो किसी में नहीं है.
टेक पार्क कर रहे हैं इंग्लिश में, यार आई विल ट्राई, यू नो फ्रॉम पार्ट फोर पार्ट फाइव आई थिंक नेपाल विल बी इंटरेस्टिंग, आई लव प्लेइंग अगेंस्ट नेपाल टू मेक देयर टू ट्रॉल देयर फैंस. सो पार्ट फाइव से नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश या गुआम कोई भी मिल जाए, पार्ट फाइव तुम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, इंडोनेशिया से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा. तो मेरे हिसाब से आइडल ड्रॉ इंडिया के लिए होगा यूएई पार्ट वन से, किर्गिस्तान पार्ट टू से, थर्ड होगा पार्ट फोर से मेरे लिए होगा मालदीव्स पार्ट फोर से, और पार्ट फाइव से मैं तो नेपाल, माय पर्सनल चॉइस नेपाल, बट एनीथिंग बिटवीन नेपाल गुआम श्रीलंका मंगोलिया कंबोडिया सिंगापुर ऑल्सो. ओनली टीम विच वी नीड टू इग्नोर फ्रॉम पार्ट फाइव इज इंडोनेशिया. तो आई थिंक ये पार्ट के क्वेश्चन तो ये हो गए. तो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं. मैं बोलूंगा साउथ कोरिया इराक म्यांमार एंड बांग्लादेश. फैबियो इंटरेस्टिंग है, टफ टीम्स है, बट एज अ फैन तो आई थिंक वी शुड होप फॉर टू गेट यू नो थोड़ा लकी ड्रॉ. हर बार इंडिया को बहुत ट्रिकी ड्रॉ मिलता है. पिछला ड्रॉ देख लीजिए, मैं ईरान मिल गया था पिछले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में. तो वाई वी नीड टू प्ले अगेंस्ट दीज, यू नो जो जिन्हें वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना ही है, वी शुड प्ले टू द टीम्स जो हमारे लेवल हमसे थोड़ा सा ऊपर है. हम बिल्कुल टॉप टीम से खेलते हैं तो थोड़ा यार दिक्कत की बात हो जाती है उनको हराना, स्पेशली होम पे. तो जैसे मिक्स टीम्स हैं यूएई, इनको हम होम पे हरा सकते हैं, चाइना को होम को हरा सकते हैं, तो ऐसी टीम्स मिलेंगी तो अच्छा रहेगा. विल आईडी क्लब्स गो टू सीएस? आई थिंक जा सकते हैं आईडी क्लब, वो कोर्ट में जा सकते हैं, उनपे उनके ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन. आई थिंक वी कैन गिव अ फाइट टू टीम इन पॉट वन बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्ले पासिंग गेम्स. इतना इजी नहीं होता देवेंद्र भाई कि पासिंग गेम खेलेंगे तो आप किसको भी हरा देंगे. बड़ी टीम का गेम आपको पोजीशन मिलता नहीं है. आप जापान ईरान साउथ कोरिया गेम खेलेंगे आपको बॉल देंगे नहीं. उनकी एनर्जी उनका पोजीशन फुटबॉल वो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कप लेवल पे खेलते आ रहे हैं, वो काफी ऊपर है हमसे. हम उनको अगर इस राउंड में इग्नोर करेंगे तो अच्छी बात है, अगले राउंड में क्वालिफाई करते हैं वहां हमें कोई भी मिल जाए कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इंडिया के लिए अगला राउंड जाना इज लाइक अ विन विन सिचुएशन. मीडिया वाइज कवरेज वाइज हमारे लिए अच्छा रहेगा. कोटे टूर्नामेंट के बारे में क्या ख्याल है? यार काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कोटे टूर्नामेंट. आई थिंक जितने ज्यादा गेम्स यूथ लेवल पे कॉम्पिटेटिव लेवल पे आपको अच्छे अपोनेंट के गेम्स मिलेंगे. लास्ट टाइम इंडिया ने ट्वेंटी टीम अर्जेंटीना के गेम्स खेली थी और अच्छा खेली थी, तो उतना अच्छा रहेगा. वो टॉप प्लेयर्स तो नहीं आते हैं क्योंकि अर्जेंटीना अंडर ट्वेंटी के प्लेयर्स आप अगर सीजन के टाइम पे होता है तो वो मोस्टली अपने क्लब्स के साथ रहते हैं, बट उनके अच्छे लेवल के प्लेयर्स आते हैं. ऐसे नहीं कि बी और सी प्लेयर तो अच्छे लेवल के प्लेयर आते हैं. डोंट यू थिंक स्टेट फुटबॉल फेडरेशन, यार बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुटबॉल की बुरी हालत में स्टेट फुटबॉल फेडरेशन. वो सिर्फ इलेक्शन करते हैं और मीटिंग करते हैं और चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं. कुछ फेडरेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है. गोवा फुटबॉल फेडरेशन अच्छा काम करती है, विफा महाराष्ट्र बहुत अच्छा काम करता है, मिजोरम फुटबॉल फेडरेशन बहुत अच्छा काम करता है, मेघालय फुटबॉल फेडरेशन अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली अब सरप्राइजिंगली से दिल्ली में साजी प्रभाकर आया है, दिल्ली में बहुत काम हो रहा है. तो कुछ कुछ स्टेट फेडरेशन बहुत अच्छा करती है. इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन बंगाल में कोशिश करती है, मोस्टली वो कोलकाता में ही करते हैं. अगर बंगाल में गेम को स्प्रेड कर पाए पूरे बंगाल में, नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग मतलब जो सिलीगुड़ी वाला एरिया वहां पे स्प्रेड करें तो अच्छा रहेगा. वहां पे एक लीग बनाए, यू नो नॉट कोलकाता फुटबॉल लीग, स्टेट लीग भी होनी चाहिए. तो कुछ कुछ फेडरेशन अच्छा करती है, बट बाकी सारी फेडरेशन एक बार बोलूंगा निकम्मी है. वो नहीं कुछ करते नहीं, लीग करते नहीं, ट्रायल्स ढंग से नहीं करते, अपने रिश्तेदारों को स्टेट टीम में डालते हैं तो वो टैलेंट नए टैलेंट को चांस ही नहीं मिलता. एनी न्यूज यार अपॉइंटमेंट तो हो गई है आईएसएल कोच की मोस्टली. मोहन बगान के ओनर के बारे में पूछा है, यार मोहन बगान को ना कोई एक लोग ओन नहीं करते हैं, जस्ट लाइक एसी मिलान इंटर मिलान एक यू नो ये पीपल क्लब है, यहाँ पे क्लब मेंबर्स होते हैं उनका है, प्लस अभी जो करंट उनके कुछ कमेटी में टूटू बो जैसे लोग हैं उनका भी स्टेक है उसके अंदर, उनका इन्वेस्टमेंट है. तो कोई एक बंदा ओन नहीं करता है तो मल्टीपल लोग ओन करते हैं, तो क्योंकि पीपल्स क्लब बोलते हैं जस्ट लाइक एसी मिलान इंटर मिलान. वी हैव प्लेड एज अ डिफरेंट यूनिट इन प्रीवियस क्वालिफायर, इवन ईरान कोज अमेज बाय द टीम एट द एशिया कप, डोंट डिस्काउंट ऑन द करंट यूनिट, दे आर वन टफ टू नट क्रैक. डायरेक्ट आई एम नॉट डिस्काउंटिंग एनीवन, आई जस्ट वांट फेवरेबल ड्रॉ फॉर अस व्हिच कैन हेल्प अस टू क्वालिफाई फॉर थर्ड राउंड. इन थर्ड राउंड इवेंचुअली यू हैव टू प्ले टॉप टीम्स. So, you know, considering the scenario of the Indian football, it will be good if we get some favorable draw. I'm not saying we should get easy draw, but favorable draw in which we can have chances against pot one team, home and away both, which will give us, you know, chances to qualify for next round. And eventually in next round, you will have top team of Asia. So that is win-win situation for us. We qualify from this round and then we get to play the big boys, Iran, South Korea, Japan, you know, तो वो तो ऑस्ट्रेलिया
जस्ट इमेजिन अवे गेम टू ऑस्ट्रेलिया, यू नो आप सिडनी या मेलबर्न में अवे इंडिया का मैच हो रहा है, तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, तो वो भी होना चाहिए, बट होपफुली थर्ड राउंड में हो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए. कैन एफएसजीएल मेक आईएसएल टॉप लीग इन इंडिया एंड डिमोट आईलीग एज सेकंड लीग, आर एंड देयर एनी रेगुलेशन? देवेंद्र, इट इज पॉसिबल ना, अभी तक कल तक पॉसिबल नहीं था, अब जो न्यूज निकल के आई है, कुशाल दास सर ने जनरल सेक्रेटरी कुशाल दास ने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है कि आईएसएल टॉप लीग बन सकती है, तो यार अब कुछ कहने देते, अब तो हो सकता है, मैं तो बोल दूंगा कि कर सकते हैं. अब आप ये मत सोचिए कि रेगुलेशन है कि नहीं, वो पॉसिबिलिटी है. कैन आईएसएल क्लब पे एएफसी चैंपियंस लीग? इस सीजन को नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट सीजन करेंगे, बिकॉज इस सीजन ऑलरेडी मिनर्वा और चेन्नई था, अगले सीजन ऑलरेडी चेन्नई सिटी चैंपियंस लीग में जाएगा, एंड सुपर कप का चैंपियन जो है एफसी गोवा जाएगा अगले सीजन. जो इस सीजन आईएसएल जीतेगा आई थिंक वो चैंपियंस लीग खेलेगा नेक्स्ट के नेक्स्ट सीजन पे, वो 2020 वाली जो चैंपियंस लीग होगी उसमें 2021 वाली जो चैंपियंस लीग उसके प्लेऑफ या क्वालिफायर में खेलेंगे. शुड वी यूज इंडियन ओरिजिन प्लेयर बूस्टिंग अवर स्क्वाड एंड क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप? यार एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, हमें हेल्प मिल सकती है, यू नो हम अच्छे अच्छे इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स को लाएं जो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं दिल से, बिकॉज उनको अपना पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ते नहीं है, तो जब तक वो पासपोर्ट नहीं छोड़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट रूल नहीं बदलने वाली, उनको बता दूं, उनको पासपोर्ट अपना छोड़ना पड़ेगा और इंडिया का पासपोर्ट लेना पड़ेगा, दिल से बोलना, सिर्फ बोलने से कि मैं मुझे इंडिया के लिए खेलना है, कुछ करना पड़ेगा, पासपोर्ट गिव अवे करना पड़ेगा और इंडियन पासपोर्ट लेना पड़ेगा. यू नो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन लूंगा. हरभजन सिंह के बारे में आपने आई थिंक कितने लोगों को पता है, यही आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था एंड उसमें इंडियन टीम के प्लेयर्स ओल्ड ट्रैफर्ड गए, केएल राहुल, चहल, विजय शंकर एंड दिनेश कार्तिक ओल्ड ट्रैफर्ड के टूर पे गए थे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक वीडियो डाला है अपनी वेबसाइट पे, ट्वीट डाला है कि यू नो इंडियन जस्ट आफ्टर पाकिस्तान मैच से पहले गए थे वो लोग, पाकिस्तान मैच के बाद एक ट्वीट आया. तो किसी ने हरभजन सिंह से एक सवाल पूछा, हरभजन सिंह जो इंडियन फॉर्मर ऑफ स्पिनर अच्छे क्रिकेटर है, पंजाब के रहने वाले हैं, मिनर्वा पंजाब के साथ भी काफी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपका फेवरेट, उनका सबका फेवरेट क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड है, वीरेंद्र सहवाग भी गए, उनसे पूछा कि क्या बोलते हैं आपका फेवरेट क्लब कौन है, तो भाई मुझे तो मजा आ गया आंसर सुन के भज्जी भाजी का. कहते हैं देखिए मैं तो मोहन बगान का फैन हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनता हूं, आई लिव इन इंडिया सो आई टॉक अबाउट इंडिया, मतलब कहते हैं कि I am Mohun Bagan fan and as I live in India, so I talk about India. बहुत ही बढ़िया जवाब था. मैं ये नहीं कह रहा बाहर के क्लब को सपोर्ट मत कीजिए, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, हर किसी को करने का हक है यार, पूरी दुनिया करती है, बट आप अपनी एक लोकल टीम जो आपकी सिटी में है, चाहे वो छोटी टीम है चाहे बड़ी टीम है, चाहे आईएसएल खेल रही है आई लीग खेल रही है, उसको सपोर्ट करिए. अगर आप जिस दिन अपनी लोकल टीम को सपोर्ट करेंगे, आपकी लोकल टीम अच्छा करेगी, उस दिन इंडियन फुटबॉल आगे जाएगा. आप बैठ के मे भी यू नो आप बोल रहे हो बेंगलुरु चैंपियन बन गया, आप बैठे हो सिर्फ पुणे में, सपोर्ट आप बेंगलुरु कर रहे हो, कर सकते हो, बट पुणे सिटी को भी सपोर्ट कीजिए. अगर आपकी उसमें नहीं है कोई बड़ा क्लब, सेकंड डिवीजन क्लब है, दिल्ली में मानो, अगर अभी आप मानते हो कश्मीर में आप इस सीजन नौ स्टार आया था, तो अगर ऐसी जगह जहाँ पे अभी मणिपुर में पहले कभी कोई क्लब नहीं था जो आई लीग खेलता था, बट फिर भी लोग वहाँ पे निरोका एफसी को सपोर्ट करते थे, यू नो यहाँ पे और छोटे क्लब, मिजोरम में आप एग्जांपल लीजिए, आइजोल एफसी आया, उससे पहले कोई क्लब नहीं था मिजोरम में, पर वो आइजोल एफसी की फैन फॉलोइंग स्टेट लीग से चलती आ रही है. चेन्नई एफसी करके मिजोरम में क्लब है जिसका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है मिजोरम में. तो मैं ही कहता हूँ कि आप यूनाइटेड को, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड को सपोर्ट कीजिए, बट आप एक अपने लोकल क्लब को भी सपोर्ट कीजिए. तो एक इंटरनेशनल स्टेज पे हरभजन पाजी ने जो आंसर दिया है, क्रिकेट फैंस जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, यू नो कि भाई देखिए मैं तो मोहन बगान का फैन हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने मोहन बगान का नाम ही ना सुना हो, पर उन्होंने उसका गूगल जो किया, भाई मोहन बगान है कौन, क्योंकि जितनी हिस्ट्री शायद मोहन बगान की है उतनी हिस्ट्री क्रिकेट की नहीं होगी इंडिया में. यू नो आप मोहन बगान की हिस्ट्री जाती है फ्रीडम, जो हमारी इंडिपेंडेंस की फाइट हुई थी उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो जितनी पुरानी हिस्ट्री उनकी है शायद ही किसी की होगी. तो उतना मतलब एक इंटरनेशनल स्टेज पे आपको ये जवाब देना, वो भी बोल सकते थे कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का सपोर्टर हूँ, बट एक इंटरनेशनल स्टेज पे कहना कि देखिए मैं तो मोहन बगान का फैन हूँ, यू नो और मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करूंगा, तो मैं चाहता था एक शॉर्ट आउट उनको भी दूं यार, क्योंकि कई बार क्रिकेट को लोग हेट करते हैं इंडियन फुटबॉल फैंस और गालियां बहुत देते हैं, बट ये अच्छी न्यूज निकल के आई थी तो मुझे लगा क्या बोलते हैं यू नो एक बात कर सकते हैं इस बारे में. आप लोग बताइए आपको क्या लगता है यू नो हरभजन सिंह के बारे में, इस कमेंट के बारे में कि मैं तो मोहन बगान का फैन हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और इंडियन क्लब को सपोर्ट करता हूँ. मेरे हिसाब से आप भारत के क्लब को सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बट अपनी लोकल टीम को भी प्यार कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, छोटी टीम हो बड़ी टीम हो,
आई लीग खेल रही हो, आई लीग सेकंड डिवीजन खेल रही हो, कहीं पर भी खेल रही हो, आप उनको सपोर्ट कीजिए, यू नो, क्योंकि ग्राउंड पे जो मैच देखने का मजा है ना वो टीवी पे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन आप ग्राउंड पे जाकर मैच देखेंगे आदत डाल देंगे, आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज देखिए वहाँ पर लोग टीवी के बजाय स्टेडियम में जाके मैच देखना पसंद करते हैं। तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट अवर लोकल क्लब विद इंटरनेशनल क्लब, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देवेंद्र सिंह डेस्परेट, यार बिग डील का मैंने बताया भाई, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, डील खराब नहीं करना चाहता, एक बार साइन हो जाए, क्योंकि मल्टीपल बॉडीज इन्वॉल्व है, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है और थोड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स डील है, इतनी आसान नहीं है। एक बार साइन हो जाएगी तो भाई एक दिन एक वीडियो मैं स्पेसिफिक उसके बारे में कर दूंगा कि उस डील के बाद इंडियन फुटबॉल को क्या हेल्प होगा, कैसे वर्ल्ड स्टेज पे ये डील इंडियन फुटबॉल को हेल्प करेगी। तो थोड़ा सा हिंट भी नहीं दे सकता बिकॉज मुझे मना किया गया, यार मुझे क्या मिल रहा है ना, अगर मैं यार मैं तो चाहता हूँ लोग मेरी वेबसाइट हमारी वेबसाइट पर आए, यूट्यूब चैनल पर आए, मैं तो कर सकता हूँ वीडियो, पर मैं एज अ फैन नहीं चाहता कि मेरे बोलने से वो डील खराब हो जाए। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यू नो, तो अब मैं भी एक वीक का एक होगा तो उसके बाद मैं आपसे बात कर पाऊंगा। यार डोरन कप के बारे में, भाई डोरन कप एक लेगेसी टूर्नामेंट है, इंडियन फुटबॉल को ISL और I-League के अलावा और टूर्नामेंट भी चाहिए, डोरन कप, रोबर्स कप, सुब्रोतो कप, इनको रिवाइव करना चाहिए। सुब्रोतो कप रिवाइव हुआ था लास्ट सीजन, इस वो अंडर 17 लेवल पे हमको वहां से बाइचिंग भूटिया मिला है, बहुत सारे प्लेयर्स मिले हैं, तो उसको भी टेलीकास्ट मिलना चाहिए, मार्केटिंग मिलना चाहिए, फैन सपोर्ट मिलना चाहिए। आई थिंक डोरन कप कोई बात कर रही है कि प्री सीजन टूर्नामेंट कर देंगे, अगस्त में होगा, ISL I-League टीम मिक्स, आई थिंक कुछ क्लब का नाम निकल के आया था, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, FC गोवा, बेंगलुरु, इनका नाम निकल के आ रहा है, पर अपनी मेन स्क्वाड भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे उसका वेट कर लेते हैं, फिर डोरन कप के बारे में बात करेंगे। देवेंद्र सिंह, यार 90-95% वो डील के नेगोशिएशन हो चुके हैं, आई थिंक सिर्फ कमर्शियल पे बात चल रही होगी मेरे हिसाब से कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह करनी है, तो जैसे ही वो होता है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का मैनेजमेंट मार्केटिंग के बारे में क्या बोलोगे, यार उनका भी तो देखो क्या बोलूंगा, उनके वो टीम हायर करते हैं ISL से पहले मार्केटिंग टीम, मीडिया मैनेजर, फिर ISL खत्म होते हैं मीडिया मैनेजर चले जाता है, एक एक दो पिछले सीजन ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक या दो महीने तक फेसबुक पे कोई पोस्ट ही नहीं किया था बिकॉज कोई इंप्लॉई नहीं है उनके पास फुल टाइम पोस्ट करने के, बाकी सब क्लब ने अपने जो मार्केटिंग टीम है, मीडिया टीम है, उनको फुल टाइम बेसिस पे हायर इंप्लॉय बना दिया है, एज अ कंसल्टेंट काम नहीं करवा रहे हैं, तो साल भर अपनी टीम के साथ, FC गोवा का एग्जांपल लीजिए या बेंगलुरु FC का एग्जांपल लीजिए, वो अभी भी कुछ ना कुछ कंटेंट कर रहे हैं, यू नो ऑफ सीजन है, आपको पिछले सीजन के बारे में बता रहे हैं, अपनी यू टीम्स के बारे में बता रहे हैं, बट नॉर्थ ईस्ट को इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, काफी पीछे है बाकी क्लब से, पिछले सीजन पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे, उनको फॉलो अप करना चाहिए था, और उन्होंने क्या किया आपको पता ना हो, जो उनके कोच थे एल्को, उनके साथ 2 साल का डील था और बिना बताए वो डील कैंसिल कर दिया, मतलब आप समझ सकते हैं, जिस कोच ने आपको फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में लेके गया, आपको अच्छी पोजीशन पे लेके गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ और उनका कॉन्ट्रैक्ट उनको बिना रीजन बताए कैंसिल कर दिया, देयर इज नो रीजन, हमारे साथ इंटरव्यू किया था उन्होंने खुद ही बोला कि मेरी 2 ईयर डील थी नॉर्थ ईस्ट के साथ एंड उन्होंने मुझे बिना बताए मेरा एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। फिर आप अगर वो कोच के साथ फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग तो यार बहुत बात की बात है, आप अपना कोच दे दिए केरला ब्लास्टर के, उनके लिए अच्छी खबर है, उनको अच्छा कोच मिल गया जो इंडियन फुटबॉल में समझता है, शायद केरला ब्लास्टर इस सीजन अच्छा कर पाएगी उनके साथ। भाई हाईलैंडर ब्रिगेड एक फैन क्लब है उनके, वो एक्टिव है, वो हर क्लब का एक्टिव है, पर क्लब को भी जो इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं यार, क्लब तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ ISL के टाइम पे टीम से होते हैं फिर सो जाए ISL के बाद, उसके टाइम फैन एंगेजमेंट नहीं हो रही, ऐसा आपने यूरोप में देखा है कहीं और देखा है कभी कि ऑफ सीजन चल रहा है और क्लब कोई पोस्ट नहीं कर रहा, क्लब कुछ बता नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा यार, छोटे से छोटे क्लब जिनका बजट नहीं होता वो भी कर रहे हैं। आप ISL के बाकी क्लब का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, एक बार अगर नॉर्थ ईस्ट के फैन हो, मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप कोच का एग्जाम्पल लीजिए, कोच के साथ 2 साल की डील थी उनकी, उनको बिना बताए उन्होंने डील कैंसिल कर दी, ऐसे चलता है गेम पे कि मतलब किसी के साथ 2 साल का डील, और जिस कोच ने आपको पहली बार सेमीफाइनल में लेके गए उनको आपने डील कैंसिल कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ उनको फॉलो अप करना चाहिए फैंस के साथ, कोचिंग के साथ, प्लेयर्स, जो बाकी क्लब कर रहे हैं, बेंगलुरु कर रहा है, FC गोवा कर रहा है, केरला ब्लास्टर कर रहा है, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान I-League में कर रहे हैं, शिलोंग लेजोंग कर रहा है I-League में, वो तो रेलिगेट हो गया बट वो भी कर रहा है, यू नो सबको करना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट को क्यों नहीं। If ISL only league in India, they have to cancel it. मुझे तो पसंद नहीं है प्लेऑफ फॉर्मेट, आई थिंक अनफेयर हो जाता है जो टीम लीग पे टॉप पे रहती है। IPL का कॉपी किया था स्टाइल, आई थिंक टाइम आ चुका है इसको लीग फॉर्मेट कर दे, यू नो आप प्लेऑफ कर सकते हैं, मे बी रेलिगेशन होता है उसके लिए प्लेऑफ नहीं कर सकते, बट आप टॉप टू मतलब जो सेकंड थर्ड फोर्थ पोजिशन के लिए प्लेऑफ कर लो, अगर प्लेऑफ करना ही है
आपको अगर अपनी टीवी टेलीकास्ट के लिए, बट मेरे हिसाब से तो लीक कर देना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। थॉन्ग बॉय, हाउ डू यू थिंक न्यू इंडियन एरोस्फीयर विल प्ले इन दिस एशियन सीजन? यार थोड़ा मुश्किल होता है, पता है आई लीग से जाते हैं वो पूरा सीजन खेलते हैं, अब आईएसएल में उनको कोच एकदम से स्टार्ट नहीं करेगा, जो भी फॉरेन कोच होगा वो उनको 10 मिनट्स देगा, 15 मिनट्स देगा बेंच से, उसमें ना यंग प्लेयर के लिए इंप्रेस करना कोच को फैंस को थोड़ा एक डिफिकल्ट जॉब है। आप देखोगे इसीलिए स्ट्रगल कर रहे थे, नोंगदम्बा गए, आप कोमल को देख लीजिए, तो धीरज को देख लीजिए, धीरज भी स्ट्रगल किया अपने सीजन के ब्लास्टर, तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि स्कैनर रहता है पूरे टाइम, मीडिया देख रही है, जो फुटबॉल मीडिया फैंस देख रहे हैं, आप एक गलती करेंगे आपको सोशल मीडिया पे गाली पड़ना स्टार्ट हो जाता है, आपको डिस्करेज करते हैं लोग, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। होपफुली फिंगर क्रॉस वो अच्छा करे, जितने प्लेयर्स राहुल केपी गया है केरला ब्लास्टर, लोकल टैलेंट है तो सपोर्ट फुल मिलेगा, बट कोच को भी मुझे लगता है कोच ट्रस्ट भी करेगा। आई थिंक मुझे मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है राहुल केपी, तो वो तो केरला ब्लास्टर फैन को मजा आने वाला है उसके साथ। यार 71 लाइक्स हो चुके हैं, क्या आप 100 कर सकते हैं यार? 100 लाइक्स कर दे, फिर आखिरी 10-15 मिनट्स को रैप अप करते हैं, प्लीज जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। कोच हैज बीन रिलीज बिकॉज नॉर्थ इज विलिंग टू ओपन देयर ओन एकेडमी टू हैव दैट दे आर सेलिंग और कैंसिलिंग कॉन्ट्रैक्ट टू गेट मनी, दैट्स व्हाई कोच लाइक एंड ओवेचे इज लेफ्ट। भाई देखो आप अगर ये तो आप बेसिकली अब सारे क्लब आप फ्रेंचाइजी नॉर्थ ईस्ट फ्रेंचाइजी रहेंगे, वो बोल रहे हैं हम आईएसएल से 2 महीने पहले आएंगे, अपनी टीम बिल्ड करेंगे और फिर आईएसएल खेलेंगे, फिर हम प्लेयर रिलीज कर देंगे और फिर अगले सीजन दोबारा करेंगे, तो एक तो फॉलो अप नहीं कर रहे हो। एफसी गोवा अपने प्लेयर्स को 3-3 साल की डील दे रहे हैं, वो रिटेन कर रहे हैं, उससे आपके खर्चे कम होते हैं, आपको हर सीजन के एजेंट को पैसे नहीं देने हैं, आप हर सीजन नए प्लेयर्स लाओगे आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, आप एक अच्छा कोच था, आप कोच तो आप अभी भी लेके आओगे राइट, खली जमील से आप कोचिंग नहीं करवाओगे, वो तो हेड कोच नहीं है, वो तो असिस्टेंट कोच है, कोच आपको अभी भी चाहिए यू नो, तो वो तो पैसा तो अभी भी खर्च करोगे, तो अकेडमी आपको बनाना है, अकेडमी आप बनाइए, तो आप फिर अकेडमी ही रह जाइए, आप क्लब छोड़ दीजिए, तो या तो फ्रेंचाइजी की तरह बिहेव कर रहे हो, आपको ऐसा क्लब बिहेव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता आपकी बीच में आप 3 महीने कुछ नहीं करोगे फिर आखिर के 6 महीने करोगे, मेरे हिसाब से तो गलत डिसीजन था, आप देखते हैं कि मैं भी गलत प्रूफ हो सकता हूँ, बट ये फिजिबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, और नहीं इकोनॉमिक्स वाइज फिजिबल नहीं है, आपको पैसे ज्यादा खर्च होंगे, हर बार नए प्लेयर साइन करोगे, क्यों एफसी हो बेंगलुरु एफसी या जो भी क्लब जो बड़ी बड़ी डील्स दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को, बिकॉज हर बार नए प्लेयर अच्छे प्लेयर मिलेंगे जो नहीं, अब आप सारे प्लेयर रिलीज कर दोगे आपको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे कहां से, क्योंकि सबने तो अपने प्लेयर्स रिटेन कर दिए, ऐसा ड्राफ्ट भी नहीं होगा, ऑक्शन भी नहीं होगा, तो आपको प्लेयर्स आएंगे कैसे। योगेश भाई बोल रहे हैं इंडियन फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार इंडियन फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से टॉप लेवल पे देखिए जैसा आईएसएल में है काफी सही इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बुरा नहीं है जितना लोग बोलते हैं यू नो, थोड़ा ट्रेनिंग फैसिलिटीज हमें बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए एट ग्रासरूट लेवल, अंडर 8 लीग जो खेली जाती है, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18, यहाँ पे टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब प्लेयर्स को अपनी इंजरी का डर नहीं होगा तो हार्ड टैकल मारेगा डिफेंडर, यू नो प्लेयर्स ड्रिबलिंग करेंगे, प्लेयर्स अपनी 100% देंगे, अगर ग्राउंड में ग्रास ही नहीं होगी तो कोई बंदा स्लाइडिंग टैकल क्यों मारेगा, घुटने छिल जाते हैं यू नो, आपके घुटने छिल जाएंगे, आप एक टैकलिंग आप मारोगे क्या टैकल कभी ग्राउंड पे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ग्रासरूट लेवल पे चाहिए पहले, तो टॉप लेवल पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे में ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बट एक ग्रासरूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा स्कूल लेवल पे, स्कूल में अच्छे ग्राउंड होने चाहिए, स्कूल में ग्राउंड में घास अच्छी होनी चाहिए, तो प्लेयर अच्छा खेलेगा। आप एग्जांपल मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, पहले क्रिकेट टीम की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी यू नो, तो मैं मोहम्मद कैफ का इंटरव्यू देख रहा था, मोहम्मद कैफ जब आए थे वो बहुत अच्छे फील्डर थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं बहुत लकी था कि जिस हॉस्टल में मैं रहता था यूपी में वहां पे हमें लस ग्रीन ग्राउंड मिलता था, तो हम जानबूझ के डाइव मारते थे, उससे हमें डाइव मारने की आदत हो गई यू नो, और जो बाकी प्लेयर्स होते थे उनको फैसिलिटी नहीं मिली यूथ लेवल पे, तो उन्होंने वो कैरी फॉरवर्ड किया जो सीनियर लेवल पे गए, बट आज की डेट में देखोगे हमारी क्रिकेट टीम में सारे फील्डर अच्छे हैं, बिकॉज सबको यूथ लेवल पे बहुत अच्छे ग्राउंड मिल रहे हैं, तो सेम चीज हमें फुटबॉल में करना है, अगर हम अंडर 8, अंडर 7, अंडर 11, अंडर 14 लीग स्टार्ट करते हैं, वहां अच्छा ग्रासरूट ग्राउंड अच्छा प्रोवाइड करते हैं ग्रासरूट फुटबॉल में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा कहलाएगा। आप आईएसएल आई लीग के लिए जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके ग्रासरूट में प्लेयर सीख के नहीं आएंगे, तो टॉप लेवल पे आप किसी को फुटबॉल खेलना नहीं सिखा सकते, फुटबॉल खेलना उनको यूथ बेस में सिखा सकते हैं, उनके अंडर 14 से पहले सिखा सकते हैं, उसके बाद उस टैलेंट को आप उसको आप जो बोलते हैं हीरो को परस सकते हो, बट उसके आप फुटबॉल खेलना नहीं सिखा सकते हो। किसी ने सवाल किया था
What if North East don't sign a head coach? Let Khalid manage as an assistant coach. Devinder Singh, Khalid को as an assistant coach नहीं manage कर सकते because उनको head coach चाहिए होगा. वो ICC guidelines में है कि उनको एक foreign head coach चाहिए होगा या ऐसा कोई Indian coach चाहिए होगा जिसने 2 साल तक ISL में as an assistant coach coaching enroll किया हो, which जो खाली जमीन ने नहीं किया, तो eventually coach तुमको sign करना पड़ेगा. किसी ने English में बात करने की बात की है, आप अपना सवाल अगर English में करेंगे तो मैं English में जवाब दे दूंगा यार, क्योंकि mix करके crowd है, लोग हिंदी English में है, तो थोड़ा चल यार manage कर लो, you know please manage. I will try to answer English as many as question if question comes in English, but if somebody is asking Hindi, I have to answer in Hindi. Please also who are watching, please like this video. There are 83 likes. Can we do 100? It will be very great for me. BCCI help other countries for development of their cricket. They could also lend hand to AIFF with some financial help. Yaar BCCI kyun help karega? Unko kisne help kiya tha bataiye? You know abhi bataiye humko jo hamari state federation hai yaar ek natural pitch to maintain kar sakte hain. Utna budget unke paas hota hai. Ek ground. सिर्फ नेचुरल पिच का मेंटेन करो जहां पे आप जो स्टेट जो लीग्स होती वहां करवाओ. एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी में एक छोटा सा ग्राउंड स्कूल लेवल पे. मैं देहरादून से हूं और देहरादून के हर स्कूल में फुटबॉल ग्राउंड है और लेट ग्रीन ग्राउंड है. तो स्कूल वाले अगर रिस्पांसिबिलिटी ले सकते हैं तो स्टेट फेडरेशन उस रिस्पांसिबिलिटी को आगे बढ़ाए और वो लेट ग्रीन ग्राउंड अगर प्रोवाइड करते हैं यूथ लेवल पे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कहलाएगा. आप ISL आप जितने वर्ल्ड कप करवा लीजिए, आप जितने ISL करवा लीजिए, जितने I-League करवा लीजिए, उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होगा. वी हैव टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एट अंडर 9 स्कूल लेवल, अंडर 14 लेवल, अंडर 11 लेवल. इवेंचुअली व्हाटएवर यू डू एट ISL टॉप लेवल इट विल नॉट हेल्प इन द रियल ग्रोथ ऑफ इंडियन फुटबॉल. वी नीड टू इंप्रूव आवर ग्रास रूट फुटबॉल. इंग्लिश में भी कह दिया भाई सेम बात. What are views on Sahal and Thapa in Indian football? यार मैं दोनों को अलग-अलग Thapa and Sahal both are different type of players for me. Thapa is more to for me is box to box midfielder. वो आपने देखा होगा you might have watched in the Kings Cup में last goal line clearance भी की है. तो he's a more of number 6 for me and Sahal is more of advanced number 8 for me. You know or maybe number 10. So दोनों both are very good player. दोनों बहुत अच्छे player हैं. तो पर दोनों थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है फॉर मी. सो मैं दोनों को थोड़ा अलग अलग पैरामीटर से देखता हूँ. बट फ्यूचर अच्छा दोनों का हमारे लिए और हमारे फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है. एनी न्यूज अबाउट एरन विलियम्स? एरन विलियम्स से मैं आपने याद दिलाया तो हम बात कर लेते हैं उनसे कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया कि नहीं किया. मे बी इंटरव्यू कर सकते हैं तो अच्छी बात है. आप याद दिला रहे हैं हमें, फॉलो अप किया था लास्ट टाइम हमने. तो यार 100 लाइक्स के लिए 13 लाइक्स रह गए हैं. जिन्होंने लाइक्स नहीं किया प्लीज यार लाइक्स कर लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल और वो एक जो नोटिफिकेशन बेल होती है वो भी दबा देना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे. प्लस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाले हमारे फेसबुक ट्विटर और वेबसाइट का, वो भी आप प्लीज चेक कर लेना वीडियो खत्म होने के बाद. अभी नहीं. Why is BFC dead in transfer market? They seem very complacent. ये है संगमेश. संगमेश वो डेड नहीं है. बीएफसी का काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग है. बीएफसी अपने जो प्लेयर साइन है बहुत यू नो क्लोज इन्वायरमेंट में करता है. किसी को बताता नहीं है, मीडिया को खबर नहीं चले जाता. वो सीधे खुद अनाउंस करते हैं. सबसे पहले आपने देखा होगा बीएफसी की मोस्टली साइनिंग क्लब खुद अनाउंस करता है, ना कि हम जैसे goal.com जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया अनाउंस नहीं करती. तो वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे बैकग्राउंड में. और यूजिनसन लिंडोर ने इंडियन प्लेयर साइन कर ही दिया तो उसको घर उनकी घर वापसी हुई है, होमकमिंग हुआ है. सो दे आर डूइंग आई थिंक वो अनाउंसमेंट करेंगे जैसे सीजन पास आएगा. एंड उनकी मार्केटिंग टीम एक अलग लेवल पे काम करती है. सो दे माइट बी प्लानिंग कि हम हर एक वीक में एवरी वीक वी विल अनाउंस अ न्यू वन साइनिंग. तो थोड़ा काम करने का स्टाइल देयर डिफरेंट अप्रोच है. वो मार्केटिंग एजेंसी मार्केटिंग जो टीम है वो भी काम कर रही होगी कैसे प्लेयर अनाउंस करना है, वीडियो बना के अनाउंस करना है या कुछ करके. आप यूजेंसन लिंडो की अनाउंसमेंट देखेंगे तो उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव में यूजेंसन लिंडो की अनाउंसमेंट की थी. तो इस तरह की उनकी अप्रोच रहती है काम करने की. तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे संदेश, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई थिंक दे विल अनाउंस देयर फॉरेन साइनिंग वेरी सून. रॉय कृष्णा का क्या क्या किया? रॉय कृष्णा यार साइन हो गए हैं. इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन भेजिए हमें उनको, उनके आंसर आए नहीं. जैसे ही आएंगे हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा. आपको लिंक दिया नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा. एंड वो आई थिंक बहुत, मैं तो लास्ट वीडियो बोल चुका हूँ, वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग एवर इन ISL. मैं उनको टॉप टॉप 5 साइनिंग में डालूंगा क्योंकि वो टॉप प्लेयर है एज ऑफ नाउ. आज की डेट में भी टॉप प्लेयर है, ए लीग के टॉप स्कोरर है, यू नो, और ए लीग के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है. तो एक इंडिया एक स्टेटमेंट साइनिंग है ATK की और इंडियन सुपर लीग की, जो ए लीग के क्लब्स को बताया कि हम आपसे कंपीट कर रहे हैं.
नाउ जापान में एशिया में सिर्फ जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है या मिडिल ईस्ट के क्लब नहीं है, हम भी हैं। इंडिया से क्लब साइन कर सकते हैं, टॉप प्लेयर टॉप वेजेस दे सकते हैं। एक स्टेटमेंट साइनिंग है इंडिया के लिए, आईएसएल के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए और एटीके के लिए भी। बीएफसी इन एएफसी कप, यार बीएफसी एएफसी कप में तो नहीं है ना, क्योंकि वो सुपर कप तो जीते नहीं, सुपर कप एफसी गोवा जीता है, तो एफसी गोवा जाएगा नेक्स्ट के नेक्स्ट सीजन एएफसी कप में। एंड इस सीजन अगर बेंगलुरु लीग जीत जाती है तो आई थिंक वो चैंपियंस लीग का प्लेऑफ स्पॉट इस सीजन आईएसएल चैंपियन को मिलने वाला है। यार 89 लाइक्स हो गए, 11 लाइक्स आर रिमेनिंग फॉर 100। कैन वी गाइस यू नो एवरीबॉडी जस्ट लाइक दिस वीडियो सो दे कैन रीच द 100 लाइक्स टारगेट। 50 लोग देख रहे हैं अभी तक। चिन्मय बोल रहे हैं विच विल बी गुड करेंटली सुशीला चांटे ओमित सिंह इन लेफ्ट विंग फॉर इंडिया। मेरी अभी तो ओमित सिंह आया तो देखते हैं, बट अभी मेरी करंट ऑप्शन में मेरा फेवरेट चांटे होगा लेफ्ट विंग में। यू नो अगर इंडिया 4-3-3 खेलता है, 4-2-3-1 खेलता है, तो मैं चांटे को लेफ्ट में रखूंगा, उदांता को राइट में रखूंगा, वो टिपिकली बोथ आर विंगर्स, तो दोनों को रख सकते हैं उसमें। सुपर कप की डिटेल ये मिस हो गया, सिन्हा भाई ने बोला है सुपर कप का फॉर्मेट शायद चेंज हो रहा है, अभी तक कंफर्म न्यूज नहीं है, कंफर्म न्यूज आ जाएगी एक या दो दिन में। सुनने में आया है कि हर टीम को मिनिमम 3 मैचेस मिलेंगे, मे बी वो 4 टीम का ग्रुप कर देंगे, यू नो एंड देन मे बी दे गेट होम अवे करेंगे या 1 वेन्यू करेंगे, वो पता नहीं, बट नॉकआउट तो नहीं होने वाला है। इट विल बी अ लॉन्गर टूर्नामेंट, प्री सीजन में होगा। सुनने में सितंबर, बेसिकली जो सितंबर अक्टूबर के इंटरनेशनल ब्रेक्स होते हैं उनके बीच में सुपर कप होगा, तो अब वो कैसे करते हैं, होम अवे करते हैं, मे बी होम अवे करते हैं, सरप्राइज करते हैं सबको, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, बट नॉकआउट नहीं होने वाला है। दिस इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई हैव अबाउट सुपर कप। इट विल बी यू नो लीग राउंड फॉर्मेट बोल लो आप, ग्रुप स्टेज फॉर्मेट बोलो, बट इट विल नॉट बी अ नॉकआउट टूर्नामेंट। हर एवरी टीम विल गेट एवरी यू नो 3 मैचेस मिनिमम। डू यू थिंक चेन्नई मेकिंग कमबैक दिस सीजन? आईएसएल यार कमबैक तो कोई भी कर सकता है, उन्होंने अपनी स्क्वाड रिटेन करी है, सेम थोड़े एक दो फॉर्मर, इफ दे कैन गेट 1 or 2 फॉर्मर, गुड फॉर्मर दिस सीजन, दे हैव गुड इंडियन प्लेयर, यू नो अनिल थापा, जेजे, अदर टैलेंट ऑल्सो आर देयर, सो इफ दे कैन गेट 1 or 2 फॉर्मर, गुड फॉर्मर, दे कैन यू नो मेक अ कमबैक, बट कॉम्पिटिशन बहुत टफ है यार। बेंगलुरु, केरला आई थिंक एक अंडरडॉग तो नहीं बोलूंगा, सरप्राइजिंग पैकेज रह सकता है, एफ सी गोवा इज देयर, मुंबई सिटी देखो क्या होता है उनके साथ, एंड यू नो एटीके की टीम आप देख सकते हो, बहुत सॉलिड टीम बना रहे हैं। जमशेदपुर टाटा वाले भी कुछ ना कुछ करेंगे, उनको तो कोई पीछे छोड़ना मुश्किल है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस बार आईएसएल में, पिछले सीजन के मुताबिक कंपैरिजन में। व्हाट विल बी आई लीग क्लब्स डू इट, ऑल ऑफ देम रेलीगेट टू सेकंड लीग, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्लब माइट शट डाउन। देवेंद्र सिंह लगता है आपको आई लीग पसंद नहीं है, आप कह रहे हो कूल लिख रहे हो, मुझे नहीं लगता शट डाउन करेंगे वो, यू नो तो देखो 2-3 ऑप्शन है, वो फीफा के पास जा सकते हैं, सीएस के पास जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, एएफसी फीफा के पास देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो लोग करेंगे, शटडाउन तो नहीं करेंगे यार, फुटबॉल में पैसे कमाने के लिए तो नहीं है ना, वो सब वो भी आपकी तरह फुटबॉल पसंद करते हैं, यू नो फुटबॉल के फैन है, पैशन है। आप देखो डेम्पो, स्पोर्टिंग, सलवाकर, उन्होंने अपने क्लब बंद तो नहीं करे, क्लब तो अभी भी चला रहे हैं, यू नो, या आप और एग्जांपल ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट के क्लब थे, उन्होंने क्लब बंद नहीं किया, तो दे आर रनिंग दे क्लब, सो आई थिंक दे विल डू समथिंग, यू नो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट वो उनको लीगल एडवाइस भी लोग बहुत देंगे, बट कोई शटडाउन तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से, चाहे अकेडमी चलाए समथिंग कुछ ना कुछ करेंगे। जमशेदपुर एफसी का फ्यूचर का डिटेल, यार उज्जवल दास आया था जमशेदपुर क्लब, ट्रायल्स लिया था, सुनने में आया कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी ट्रायल के लिए, पैसे चार्ज कर रहे थे, मेरे हिसाब से तो यू नो जमशेदपुर में टैलेंट है, फैन फॉलोइंग है, वहां पे एक सीरियस फेडरेशन, उनकी स्टेट फेडरेशन कुछ करती नहीं, उनको थोड़ा कुछ करना चाहिए, किसी क्लब को लाना चाहिए और सेकंड डिवीजन खेलना चाहिए, पहला स्टेप होना चाहिए सेकंड डिवीजन आई थी, जो थर्ड डिवीजन होगा उसमें खेले, तो वहां खेलोगे तो लोकल प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और उन लोकल प्लेयर को आप देखोगे जो अंडर 14 लीग होती है, अंडर 18 लीग होती है, उनमें खेलना चाहिए। अगर एक अंडर 14 झारखंड का प्लेयर है, यू नो स्कूल लेवल पे खेलता था, और उसको ऑल ऑफ सडन आई लीग अंडर 14 खेलने को मिल रहा है, और यू नो ईस्ट जोन में ईस्ट बंगाल मोहन बगान के खेल रहा है, या एटीके के अगेंस्ट खेल रहा है, जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट खेल रहा है, यार उसके लिए तो ड्रीम कम ट्रू होगा। तो मेरे लिए यूथ लीग्स खेलना चाहिए सारे क्लब्स को, और यंग प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। अगर स्कूल में एक बच्चा है 6 क्लास में 7 क्लास में, उसको यूथ लीग में जाके कुछ टीए मिलता है, पैसा मिलता है 100 rupees 200 rupees, तो उसके पेरेंट्स वो भी बोलेगा कि मेरा फुटबॉल में करियर बन सकता है, तो वो फुटबॉल को और सीरियसली लेगा। जितना कुछ हम आईएसएल आई लीग में कर ले,
बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इवेंचुअली जब तक हम यूथ लीग में अंडर 14, अंडर 11, अंडर 9, इवन अंडर 7 में इन्वेस्टमेंट ही करेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है इंडिया का. यू नो, हमें वहां इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां हमें पैसा चाहिए, ग्राउंड बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, कोचेस चाहिए. हम इंडिया के बहुत कम क्वालिफाइड कोचेज हैं, हमें बहुत ज्यादा क्वालिफाइड कोचेज चाहिए, तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा. फ्यूचर ऑफ ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान, यार फ्यूचर ऑफ ईस्ट बंगाल मोहन बगान मैं देखता हूँ नेक्स्ट एक या दो सीजन में दे विल बी इन आईएसएल और टॉप लीग ऑफ इंडिया. आई थिंक ईस्ट बंगाल होपफुली आ जाएगा, देखते हैं, बट आई थिंक दे वॉन्ट टू गेट बोथ ऑफ देम टूगेदर इन दी आईएसएल. एक को नहीं लाना चाहते, दे वॉन्ट टू ब्रिंग बोथ ऑफ देम टूगेदर, एंड आईएसएल के लिए भी विन विन सिचुएशन है. अगर मोहन बगान ईस्ट बंगाल आईएसएल में आता है, यू नो, जितनी फैन फॉलोइंग लेगेसी उनके पास है, लीग में भी आ जाएगी आपके पास, और थोड़ी लड़ाई कम हो जाएगी, बट देखते हैं क्या होता है. Minerva decided that they will play under 23 league in next season of I League. It means that I League is definitely not going to top league of India. I love I League more. ठीक है भाई, यार शिलांग ने इस सीजन अपने under 20 players खिलाए थे without foreigners. तो वही तुम कह रहा हूँ, क्लब खर्चा क्यों करे? अगर I League में clarity नहीं है तो मैं तो यही बोलूंगा अपने Indian players खिलाओ, foreigners भी मत लाओ, young players बनाओ, उनको आप लंबे contracts दो 3 से 4 साल के, और फिर ऐसा क्लब कहां से टैलेंट लेके आए? अगर आपके पास यंग टैलेंट, आप उनको ग्रूम करो, उनको सेल करो, आप ऐसे क्लब को सेल करो, यूरोपियन क्लब को सेल करो, आप रेवेन्यू बना सकते हो उससे, यू नो. और हमने एक आर्टिकल किया था जब पिछले सीजन ड्राफ्ट था, एक सीजन पहले, दो सीजन पहले, तो शिलांग ने 1.68 करोड़, मैं टर्म रिपीट कर दूं, 1.68 करोड़ रुपीज बनाए थे ड्राफ्ट से. उन्होंने अपने इतने 1.68 करोड़ के प्लेयर सेल किए थे ड्राफ्ट में. तो मतलब आप लगभग 1.5 करोड़ जो एक आई लीग क्लब का बजट हो सकता है उन्होंने ड्राफ्ट से बनाए थे. तो शिलांग लजाओं की अप्रोच वो है कि वो अकेडमी के क्लब्स को ग्रो करेंगे, उनको यू नो चांसेस देंगे स्टेट लीग में, आई लीग में. रेलीगेट हो गए वो अलग बात है, बट उन्होंने अपना तो क्लब पैसा तो कम खर्च कर रहे हैं. जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, आई थिंक आई लीग क्लब को भी अपना दिमाग लगा के पैसा खर्च करना चाहिए. ऐसा नहीं आप फिर से 5 से 6 फॉरनर ले आओ जो लास्ट सीजन किया था, वो आपके फायदा नहीं है उस चीज का कुछ. आपको क्लैरिटी मिली गई थी, आईएसएल टॉप डिवीजन है, तो दे शुड प्ले द कार्ड्स वेरी वेरी यू नो क्लेवरली और मेक श्योर वट एवर देर डूइंग इन अ कॉस्ट एफिशियंट वे. क्योंकि लॉन्ग टर्म में आईएसएल क्लब भी पैसा लूज कर रहे हैं, अभी भी लूज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे. तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वो नहीं है, दे नीड टू डू समथिंग बिटवीन बोथ द लीग्स सो दैट क्लब कैन यू नो मेक सम मनी एंड सस्टेन देमसेल्फ. द इंडिया मैन डोंट शो इंडियन फुटबॉल न्यूज बिकॉज इट डोंट गेट एयर, बट व्हाई वी शो यूरोपियन फुटबॉल न्यूज? फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स तक बोलू या क्रिकेट तक बोलू, पहले ही बताओ. स्पोर्ट्स तक का कुछ नाम आता है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं यार, वो अपना बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़े चैनल हैं, आज तक को पूरी दुनिया देखती है, यू नो. उनके अगर एक वीडियो में जितने हमारे 10 वीडियो व्यू आते हैं, उनके एक वीडियो व्यू आता है, तो मैं छोटा मतलब छोटे लोग हैं, हम कैसे उनके कुछ बोल सकते हैं? बट ठीक है, उनको यार जो टीआरपी जहाँ उनको यूरोपियन से टीआरपी मिल रहा होगा तो वो उनको लेने दीजिए, यू नो. कल अगर इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड कप जाएगा या होपफुली वर्ल्ड कप खेलती है इंडियन टीम, तो फिर वो हमारे आपके पीछे पीछे आएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे. आप इंडियन फुटबॉल के फैन हो इतने सालों से, यू नो, तो क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलना है, तो छोड़ दीजिए उनको, क्या बोलना है. एनी साइनिंग इन आईएसएल? यार साइनिंग हुई है अभी आईएसएल में बहुत सारी. आप वेबसाइट पे जाओगे, अभी राहुल केपी की साइनिंग हुई है, केएल राहुल अनाउंस करी, जिनसे लिंडो अनाउंस किया है बेंगलुरु एफसी में. फॉरनर प्लेयर की साइनिंग की बात चल रही है, कुछ कंफर्मेशन आने वाला है. एटी का तो हो चुका, जमशेदपुर पे कुछ न्यूज है हमारे पास, वो बिल्ड हो रही है, जैसी मिलती है हम आपको देते हैं. वेबसाइट का लिंक मैंने आपको नीचे दिया, डिस्क्रिप्शन टैब में आप देख लेना, फेसबुक पेज पे आप लाइक कर लेना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, तो कोई अपडेट मिस ना हो. वीडियो तो हम ये वीकली करेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, फ्राइडे 7 PM हमें एक घंटे का ज्यादा हो गया, एक घंटे का एक शो करेंगे, इसका नाम हमने रखा है. अगर आपका कुछ और नाम है बताना, इनसाइड इंडियन फुटबॉल ये नाम सोचा है, और इसमें मैं कुछ टॉपिक्स लेके आऊंगा, 5 से 6 टॉपिक्स, उनके बारे में बात करूंगा. उन टॉपिक से वो टॉपिक मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कम्युनिटी टैब में, हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे वो टॉपिक पूछूंगा, तो आप मुझे बताना उन टॉपिक पर बात करेंगे, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे. कोई मार्की साइनिंग, यार आशु भाई अप्रोच चेंज होगी क्लब की ना, मार्की साइनिंग मुझे लगता नहीं कोई क्लब करेगा. मार्की साइनिंग काइंड ऑफ एटीके ने कर दी है, रॉय कृष्णा को मार्की साइनिंग बोली है, वो हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कोई मार्की साइनिंग देखने को मिलेगी इस सीजन. और हमें योर व्यूज ऑन अनास कमबैक इन स्क्वाड, अभिमन्यु भाई बोल रहे हैं. माई व्यू यार बैलेंस व्यू है,
उन्होंने थोड़ा इमोशनल होकर रिटायरमेंट लिया था। अभी वी नीड अ सेंटर बैक, अभी हम पे दो ही सेंटर बैक है, मैं आदिल खान एंड संदेश को गिन रहा हूँ, किसी और को गिनी नहीं रहा हूँ। तीसरा सेंटर बैक हमारा है 18 साल का अनवर अली, तो एक और एक्सपीरियंस सेंटर बैक चाहिए अगर हमें थ्रेड बैक चाहिए खेलना है, यू नो तीन सेंटर बैक खेलने। मैं राहुल बेके और सुभाषी को सेंटर बैक नहीं गिनता हूँ, सलाम रंजन को ड्रॉप कर दिया था तो इसलिए उनको वापस बुलाया गया। अभी कोच को लगा होगा कि सेंटर बैक में हमारे पे क्वालिटी नहीं है, तो अनास एक रेडीमेड उन पे चॉइस थी, उसको वापस बुलाया है। तो अनास ने डिसीजन नहीं लिया कमबैक करने का, कोच ने उनको कॉल किया है तो उन्होंने कमबैक किया है। आर आईएसएल टेकिंग एनी स्टेप टू इंप्रूव रेफरिंग दिस सीजन? यार आई थिंक दे शुड वीडियो असिस्टेंट रेफरी लाना, तो कॉस्टली रहेगा, बट आई थिंक रेफरीज बाहर से भी आए हैं, टॉप रेफरीज आए हैं, उन्होंने भी गलती करी है। देखो रेफरीज भी ह्यूमन होते हैं, रेफरी गलती चैंपियंस लीग के स्टेज पे, फाइनल में चैंपियन वर्ल्ड कप लेवल पे गलती होती है, तो गलती तो होती रहेगी, उस एरर को कम करना है। होपफुली रेफरी वर्कशॉप्स हुई थी अभी रिसेंटली, आई थिंक कुछ महीने पहले, तो वो चलता रहता है। फीफा का डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है एक रेफरी का रिलेटेड, वो इंडिया में होता रहता है, कोचिस प्रोग्राम, रेफरी प्रोग्राम, तो आई थिंक कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा रेफरी में। तो 100% प्रूफ तो नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन एरर्स तो होंगे ही होंगे। Why doesn't ISA club made build small stadium if not main stadium? I think long term सबका प्लान अपना स्टेडियम बनाने का, बट अभी स्टेडियम बनाने के लिए लैंड चाहिए, यू नो लैंड कहाँ से मिलेगा, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, तो उतना पैसा अगर वो मान के चलो 10-15 करोड़ रुपए लगा देते हैं, वो 10-15 करोड़ तो कम बोल रहा हूँ, लैंड वगैरह लोगे, परमिशन वगैरह लोगे तो ज्यादा होगा एक स्टेडियम बनाने में, यू नो उतना पैसा अगर वो अपनी टीम चलाने में और अपनी यू टीम्स बनाने में कर दे तो भी बेटर रहेगा। आई थिंक स्टेडियम वगैरह हम 4-5 साल में बात कर सकते हैं कि हर क्लब का अपना खुद का होम ग्राउंड होना चाहिए। आप इंग्लैंड की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, प्रीमियर लीग में एकदम से सबने अपना होम ग्राउंड नहीं बनाया है, यू नो सबने पहले जो गवर्नमेंट के ग्राउंड थे वो यूज किए हैं, बाद में जाके उन्होंने अपने ग्राउंड बनाए हैं। तो आई थिंक थोड़ा टाइम दीजिए आईएसएल क्लब्स को या आई लीग क्लब्स को एक थोड़ा, अभी ऑलरेडी यार वो बहुत पैसा लूज कर रहे हैं, तो आप उनसे उम्मीद कर रहे हो 15-20-25 करोड़ का फुटबॉल स्टेडियम बनाएंगे, मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप उनको थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा मौका देंगे तो सही रहेगा, उनको सस्टेन होने का मौका दीजिए, तब लॉन्ग टर्म में वो एक स्टेडियम बना सकते हैं। व्हाई नॉट इंडियन क्लब्स नॉट प्लेइंग प्रीमियर लीग? यार कमल सिंह भाई बोल रहे हैं कि इंडियन क्लब्स प्रीमियर लीग में क्यों नहीं खेलते, यार इंडियन क्लब्स प्रीमियर लीग भाई इंग्लैंड की लीग है, तो वह इंग्लिश क्लब खेल सकते हैं और यूके के क्लब जैसे वेल्स का क्लब खेलता है वो खेल सकते हैं, हमारी अपनी लीग है, इंडियन सुपर लीग आई लीग बोले तो अपनी लीग है, तो हम उनसे फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं या प्री सीजन में उनको बुला सकते हैं, हम जा सकते हैं। जैसे एक मैच हुआ था डेली डायनेमोस वर्सेज वेस्ट ब्रोम U23 आई थिंक वो इंग्लैंड में हुआ था, तो वो कर सकते हैं, फ्रेंडली गेम्स खेल सकते हैं, लीग उनकी वो उनकी अपनी लीग है, हम कैसे खेलेंगे। तो अच्छी बात है, आप फुटबॉल नॉलेज लेने की कोशिश करिए, हंसने की जरूरत नहीं दोस्तों यार, और नए अगर नए फैन आए हैं और आज आपको अच्छा होना चाहिए कि नया बंदा आ रहा है वो क्रिकेट फैन है या कबड्डी फैन है, वो फुटबॉल के बारे में पूछ रहा है तो अच्छी बात होगी यार, प्लास्टिक बोलने की जरूरत नहीं है, वो नॉलेज लेना चाहता है तो उनको हेल्प करिए, यू नो आप अपने अराउंड भी लोगों को एजुकेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, अपने फ्रेंड्स को जो नहीं देखते हैं हमारे लिए अच्छा है, जितने ज्यादा फैंस होंगे उतना ज्यादा अच्छा है फुटबॉल के लिए। तो आई थिंक वो सवाल उनका अच्छा है यार, ऐसे आप करोगे तो अगली बार से वो सवाल नहीं पूछेगा। करण सिंह भाई मैं बाकी की तरफ से सॉरी बोलता हूँ अगर आपको लगा हो कि आपको थोड़ा ऑफेंड हुए हो, कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि इंडियन क्लब इंडियन लीग में खेलते हैं, फिर हम एशिया की एक लीग होती है जिसे कहते हैं AFC चैंपियंस लीग, जिसमें एशिया के सारे क्लब्स खेलते हैं, एंड देन AFC कप होता है जिसमें एशिया के सेकंड टाइप के क्लब खेलते हैं, यू नो देन एक क्लब वर्ल्ड कप होता है। क्लब वर्ल्ड कप में हम क्या पता कभी फ्यूचर में अगर हम चैंपियंस लीग जीतते हैं तो हम खेल सकते हैं इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट। तो यार ऐसे कमलजीत भाई थैंक्स भाई, आप ऑफेंड मत होना भाई, यू नो कोई नहीं, आप सीख रहे हो, अच्छी बात है, नए फैंस इंडियन फुटबॉल में आ रहे हैं, बाकी लोगों को भी खुश होना चाहिए, यू नो शौभिक भाई बोल रहा है सॉरी कमलजीत भाई डोंट माइंड माय वर्ड्स, तो कमलजीत भाई वेलकम टू इंडियन फुटबॉल, आप इंडियन फुटबॉल टीम को फॉलो कीजिए, खेलना टीवी को फॉलो कीजिए, हमारा फेसबुक ट्विटर फॉलो कीजिए, और कोई डाउट हो तो आपको मैसेज कर सकते हैं हमको, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा या अपनी टीम में किसी को बोल दूंगा आपको रिप्लाई करे, यू नो आपको फोन पे बात करिए, फोन पे भी आपको बेसिक नॉलेज दे सकते हैं इंडियन फुटबॉल की, हमारे लिए अच्छा है यार, जितना ज्यादा इंडियन फुटबॉल स्प्रेड होगा हम इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा है। आर आईएसएल क्लब्स डूइंग इनफ फॉर ग्रासरूट अंडरटेकिंग? कुछ क्लब्स कर रहे हैं, FC गोवा बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अंडर 12 अंडर 14 अंडर 16 वुमेन्स टीम भी स्टार्ट करी है, बेंगलुरु कर रहा है, जमशेदपुर बहुत अच्छा कर रहा है, तो कुछ क्लब्स देखो कर रहे हैं। अभी भी पुणे सिटी ने बहुत अच्छा किया था सैडली, उन्होंने पुणे एफसी की एकेडमी को अब्सॉर्ब किया था, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया, उनके बहुत सारे यूथ टीम के प्लेयर्स अच्छे कर रहे हैं, उन्होंने लोन आउट किए अपने एकेडमी से प्लेयर आईएसएल में जिन्होंने खेला और अच्छा किया आई लीग में भी,
तो कुछ क्लब्स कर रहे हैं पर कुछ क्लब्स अभी भी उतना नहीं कर रहे जितना उन्हें करना चाहिए, वो सिर्फ पेपर्स पे कर रहे हैं पर ऑन ग्राउंड रियलिटी में उतना नहीं कर रहे हैं। सो आई होप दे फॉलो व्हाट एफसी गोवा, पुणे सिटी, बेंगलुरु एफसी, जमशेदपुर एफसी आर डूइंग, यू नो, व्हिच विल हेल्प इंडियन फुटबॉल टू हैव वुमेन्स टीम। दे शुड स्टार्ट वुमेन टीम। आई थिंक एफसी गोवा इज ओनली आईएसएल क्लब, सेम वाली बात है यार, इतना बड़े क्लब है और लड़कियों के लिए टीम नहीं है, तो आई थिंक उनको भी ज्यादा खर्चा नहीं होता है, एक गर्ल्स टीम बना सकते हैं सबके साथ, ताकि गर्ल्स को भी सपोर्ट मिले। वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, कैसा लगता है हमारी टॉप लीग के क्लब ही उनके पास गर्ल्स टीम नहीं है, तो आई थिंक सबको स्टार्ट करना चाहिए विद गर्ल्स वर्ल्ड कप कमिंग टू इंडिया एंड ग्रास रूट पे काम करना चाहिए। यस, सिद्धांत भाई कह रहे हैं वुमेन्स टीम फॉर क्लब शुड बी मेड कंपल्सरी। आई टोटली एग्री यार, इट शुड बी कंपल्सरी तो नहीं बट क्लब शुड बी, यू नो, एथिकली इनको करना चाहिए, दे शुड बी मेकिंग वुमेन गर्ल्स टीम ऑल्सो। कुछ ज्यादा खर्चा तो होता नहीं है, खर्चा है एक्स्ट्रा है बट आप इतना कर रहे हो ऑलरेडी, तो थोड़ा सा और सही, यू नो, उससे अगर देखो सेम आज ये लड़कियां फुटबॉल खेलेंगी, कल के दिन होपफुली वो पेरेंट बनेंगी या लड़के पेरेंट बनेंगे, उनके जो बच्चे हैं देन दे विल एनरोल देयर किड्स इन फुटबॉल ऑल्सो, तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो में बहुत हेल्प करेगा अगर गर्ल्स की इन्वॉल्वमेंट फुटबॉल में होती है। या 93 लाइक्स हो गए, 7 लाइक बचे हैं, हमें 57 लोग देख रहे हैं, कैन एवरीबॉडी हिट दैट लाइक बटन प्लीज, मजा आ जाएगा 100 लाइक्स हो जाएंगे तो। 6 फॉरनर इंडियन प्लेयर्स की डेवलपमेंट में बैरियर नहीं बन जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग एंड में जगह कम होगा, चाइना में 4 फॉरनर है। मैं एग्री करता हूं उस चीज को कि हमको एएफसी का जो फॉर्मेट है 3+1, 3 नॉन एशियन फॉरनर्स 1 एशियन फॉरनर, ये फॉलो करना चाहिए क्योंकि एशिया में सब फॉलो कर रहे हैं। बट कुछ लोग जो जैसे आईएसएल के फैंस हैं, उनका एक पॉइंट रहता है कि क्वालिटी गिर जाता है अगर आईलीग टीम में, मतलब आईएसएल टीम में 4 फॉरनर होता है तो क्वालिटी गिर जाता है। मेरा कहना है आप जो 6 फॉरनर मानो, आप मान के चलो एक आईएसएल टीम का जो सैलरी कैप है 16.5 करोड़ है, 16.5 करोड़ में आप 6 प्लेयर्स जो फॉरनर का 6 प्लेयर्स में 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 नहीं होगा, यू नो, कम होगा, पर मान के चलो आपने 6 फॉरनर साइन किए 10 करोड़ में और उसमें 2-3 अच्छी क्वालिटी के हैं और बाकी 2-3 थोड़ी मिक्स क्वालिटी के हैं, तो मेरे हिसाब से आप उस 10 करोड़ में सिर्फ 4 फॉरनर साइन करो, है ना, क्वालिटी फॉरनर साइन करो, रॉय किशनर जैसा, यू नो, तो आपका पैसा उतना ही खर्च हुआ पर क्वालिटी फॉरनर आ गए, इंडियन प्लेयर्स को भी चांस मिल जाएगा, चाइना में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, साउथ कोरिया में कर रहे हैं, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि 3+1, यू नो, 3+1 फॉलो करना चाहिए, जो पहले आई लीग में होता था, उस टाइम आई लीग में होता था और डेम्पो उस 3+1 के फॉर्मूले में ही बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता था, जिसे रियल टिकी टाका टाइप बोलते हैं, वो खेलते थे आर्मांडो के अंदर और उन्होंने एशिया में बहुत अच्छा किया था सेम फॉरनर सेटअप में। वो एएफसी कप के सेमीफाइनल में गए थे वेस्ट जोन से, मैं आपको बता दूं ईस्ट जोन से नहीं, जहां से बेंगलुरु गया, वेस्ट जोन से गए थे, जो बहुत टफ होता है, आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ईस्ट बंगाल ने भी सेम किया था आई थिंक, तो 3+1 से काम बन सकता है, बट देन फैंस की, एक्सपर्ट्स की, ऑफिशियल्स की ये सोच है कि हम 6 फॉरनर से क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 3+1 होना चाहिए, बट बाकी लोग क्या सोचते हैं आप बताइए, कितने फॉरनर्स होने चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपके हिसाब से आइडियल फॉरनर कितने होने चाहिए। मैं तब बाकी क्वेश्चंस लेता हूं। इंडियन फुटबॉल क्लब कह रहे हैं भाई आपका पर्सनल ट्विटर, यार आप खेल लो करो फॉलो ठीक है, पर मैं ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम 7negi आशीष है, वहां पर कभी कभी ट्वीट करता हूं, मैं ज्यादा रीट्वीट करता हूं, कभी कभी इनसाइड इन्फो मिल जाता तो मैं ट्वीट करता हूं, पर मेजोरिटी जो मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलती है वो खेलों के अंदर चली जाती है, तो मोस्टली खेलना तो मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे अच्छी बात है, बट मैं टेक्नोलॉजी के बारे में या इंडियन स्पोर्ट्स टीवी के बारे में ट्वीट करता रहता हूँ कि कौन से मैच टेलीकास्ट कहाँ हो रहे हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो। चाइना क्लब वर्सेस इंडियन क्लब वेरी फ्रिक्वेंटली करने चाहिए, आई थिंक फ्रिक्वेंटली हो जाएंगे अगर हम चैंपियंस लीग पहुंच जाएंगे। आप क्यों सोच रहे हो कि हम अलग से गेम करें, हमें अपना स्टैंडर्ड इतना ऊपर करना चाहिए कि हम चैंपियंस लीग में चाइना क्लब से कम्पीट करें, यू नो, ऑस्ट्रेलियन क्लब से कम्पीट करें, तो हमें वहां जाना चाहिए, हम अपना स्टैंडर्ड लोड ना करेंगे, आप उन्हें बुला रहे हैं फ्रेंडली मैच खेलने के लिए, वो आप कर सकते हो देखो, बट वो कोई सीरियसली नहीं लेगा, आप चैंपियंस लीग में खेलोगे ना, आप एशिया आपको सीरियसली लेगा, पूरी दुनिया आपको सीरियसली लेगा, क्योंकि देयर इज अ चांस टू प्ले इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जो नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है उसको फीफा रिवैम्प कर रहा है, उसमें ज्यादा यूरोपियन टीम्स आने वाली है, तो मेरे हिसाब से हमारा एम होना चाहिए चैंपियंस लीग खेलना, एएफसी चैंपियंस लीग खेलना, तो
उसके लिए हमें थ्री, देखो अगर आप 3+1 का बेनिफिट में जो बात निकल जाएगी, 3+1 का बेनिफिट क्या है, एशिया में हम सिर्फ 4 फॉर्मेट्स खिला सकते हैं, 3 बाहर के 1 एशिया का, तो मेरे अगर हमको एशिया में वही खेलना है, अब चेन्नई एफसी स्ट्रगल कर रहा है क्या बोलते हैं एएफसी कप में, बांग्लादेश का क्लब टॉप पे चल रहा है, चेन्नई एफसी सेकंड चल रहा है, क्योंकि आईएसएल में मेजॉरिटी फॉरनर्स होते हैं उनके पास, तो वो स्ट्रगल करेगा ही ना, क्योंकि आदत नहीं है 7 इंडियन प्लेयर्स खेलने की, तो हम एशिया में कभी अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं तो क्योंकि मेरा लोकल क्लब कोई है नहीं, दिल्ली में काम करो तो डायनेमोस को मैं देखता हूं, तो मैं चाहता हूं कि इंडियन क्लब एशिया में अच्छा करें, एएफसी चैंपियंस लीग में अच्छा करें, एएफसी कप में अच्छा करें, जिस दिन हम वहां अच्छा करेंगे दुनिया में और सीरियसली लेगी, एज अ नेशन हम अच्छा करेंगे वो ठीक है, हमारे क्लब जब अच्छा करेंगे तो एज अ फॉरेन प्लेयर, आप से एग्जांपल अब कृष्णा आए, अब वो आ गए हैं क्योंकि वो उनको इंडिया आना था, बट दूसरा टॉप प्लेयर तभी आएगा जब हमारा क्लब एशिया रिप्रेजेंट कर रहा हो। बहुत सारे प्लेयर जो आप इनेस्टा देख लो, टॉरेस देख लो, ये जापान के, इनको जेजी के क्लब एशिया में अच्छा करते हैं तो वो न्यूज में बने रहते हैं, मीडिया है, सैलरी अच्छी मिलती है, आपको यकीन नहीं है कि एशिया में एक मैच खेलने की सब्सिडी मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत अच्छा प्राइज मनी मिलता है, तो क्लब को सीरियसली लेंगे तो उनका रेवेन्यू भी बन सकता है, यू नो, तो वो एक, अब जब आप एशिया में रिप्रेजेंट करते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपको नेशनल लेवल पे बाकी क्लब्स भी सपोर्ट करते हैं, बाकी क्लब फैन भी सपोर्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो हमारा एम अल्टीमेटली होना चाहिए, आईएसएल आई लीग घर की बात है, घर की दाल और घर की दाल मुर्गी बराबर, बट हमारे क्लब्स को एशिया में अच्छा करना चाहिए, चाहे वो आई लीग क्लब हो चाहे वो आईएसएल क्लब हो। जो डेम्पो ने बहुत अच्छा किया, बेंगलुरु ने अच्छा किया, फाइनल में पहुंचे, ईस्ट बंगाल ने अच्छा किया, यू नो, मैं डेम्पो ईस्ट बंगाल का नाम ले रहा हूँ बिकॉज उनको ज्यादा लोग पीछे याद नहीं है, पर उन्होंने बहुत अच्छा किया एएफसी कप में रेगुलर बेसिस पे, देन बेंगलुरु आया जिन्होंने एशिया को सीरियसली लिया, बाकी क्लब्स को भी सीरियसली लेना पड़ेगा, काम चलाओ टूर्नामेंट नहीं, अगर आपको नहीं खेलना है आप सीरियस नहीं, आप छोड़ दो, दूसरे क्लब को अपॉर्चुनिटी दे दो, ऑप्शन होता है, एक बार हुआ था ऐसे, आई थिंक आईएसएल आई लीग में हुआ था, चर्चिल जीता था, एंड चर्चिल ने मना कर दिया था कि वो चैंपियंस लीग का प्लेऑफ नहीं खेलेगा, तो पुणे एफसी ने खेला था बिकॉज ऑफ सेकंड टीम, तो वैसा पॉसिबिलिटी होती है, अगर आपको सीरियसली नहीं लेना है एशियन कॉम्पिटिशन आप छोड़ दीजिए, आप सेकंड टीम को अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो जिनको सीरियसली लेना है उनको जाने दीजिए। भाई डू वी हैव लैक ऑफ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम इन इंडिया, माना गुप्ता, मैंने इसके बारे में माना बात की थी, आई हैव टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो, आप जब इस वीडियो को ऑफलाइन जाएंगे एक बार देख लेना कि क्या क्या बोल रहा था, बट मेरे हिसाब से अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज ओके, not very good, it is okay at the top level, but not good at the grassroot level, जो बहुत important है। मैंने एक process समझाया, cricket का भी example लिया था, और मैंने बोला जब under 9 में किसी player को lush green ground मिलेगा तो वो अच्छा sliding tackle मारेगा, sprinting run लेगा, पर अगर ground पे घास ही नहीं होगी, अब जाओगे अभी आप matches देखने under 9 के, मिट्टी में खेलते हैं भाई, मिट्टी पत्थर में खेलते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, उनका football कैसे improve होगा ना, वो जब तक आईएसएल पहुंचेंगे तब तक उनका फुटबॉल सीख चुके होंगे, फिर वो लॉन्ग बॉल खेलते हैं, क्यों खेलते हैं लॉन्ग बॉल, क्योंकि ग्राउंड पे बॉल जाता ही नहीं है, आप अगर अंडर 9 देखोगे, अंडर 11 में बहुत मैचेस देखे हैं यार, घास ही नहीं होती ग्राउंड पे, कीचड़ होता है, तो अगर वो प्लेयर है ऐसे बच्चा है वो तो ये सोचेगा मेरी बॉल जा नहीं रही मैं ऊपर से उठा कर देता हूं, तो नेचुरल गेम हो जाता है, तो जब तक वो आईएसएल पहुंचेगा वो लॉन्ग बॉल ही खेलेगा, फिर फैंस उनको गाली देते हैं कि प्लेयर लॉन्ग बॉल खेल रहा है, यार प्लेयर की गलती होती है, बट आप देखे रहो क्या सीख के आ रहा है यूथ लेवल पे, तो बहुत जरूरी है, आप ग्रासरूट लेवल पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, 106 लाइक्स हो गए यार, थैंक यू वेरी मच, मतलब सेकंड लाइव है, मुझे लग रहा है लोगों को मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपने शेयर करूंगा तो आप लोग और इंटरेस्ट लेंगे, आप हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म में और आइए, खेल लाओ टीवी है, खेल लाओ में साइन अप कीजिए। व्हाट इज सैलरी कैप, अच्छा क्वेश्चन पूछा ऑफ साइड, व्हाट इज सैलरी कैप, सैलरी कैप क्या है भाई, 16.5 करोड़ का एक बजट दिया गया है आईएसएल क्लब्स को कि वो मैक्सिमम इतना खर्च कर सकते हैं ऑन प्लेयर सैलरी, प्लेयर लोन फीस, ट्रांसफर फीस पे नहीं, प्लेयर लोन फीस, उसके अलावा लोन ट्रांसफर फीस एंड मार्की प्लेयर की सैलरी आप सैलरी कैप के बाहर से खर्च कर सकते हो। तो क्यों बनाया गया सैलरी कैप, रीजन बताता हूं कि कई लोगों को समझ में नहीं आता कि सैलरी कैप गलत है। सैलरी कैप इसलिए बनाया गया है कि मान के चलो मैं एक अमीर आदमी हूं, जैसे एटीके है, जमशेदपुर में पैसा है, बहुत पैसा है, टाटा के पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो वो तो यार 20-25 करोड़ की टीम बना देगा, तो एक तो कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, यू नो, दूसरी टीम जो कोई और टीम है, मैं कहना चाहता हूं कि सर पैसा कम है, सबके पास पैसा है, बट किसी की टीम के पास कम पैसा है, वो 16 करोड़ का पैसा उनके पास,
तो वो उनको फाइनेंशियली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पहली चीज, पहला इसलिए रखा गया, सेकंड इसलिए रखा गया है सैलरी कैप, सो दैट क्लब इन्वेस्ट सम मनी इन ग्रास रूट, देयर बी टीम, देयर अंडर 23, अंडर 19, अंडर 7, अंडर 11 टीम्स आल्सो। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए सैलरी कैप आपके ए लीग में है, यूएसए की लीग में है, इसलिए सैलरी कैप को लाया गया। तो दो रीजन है, ताकि लीग बैलेंस रहे, हर टीम के पास यू नो इक्वल मनी तो अभी भी नहीं है। आप देखोगे एटिक के तो खुले हम खर्च कर रहे हैं, तो एटिक के तो ऐसा होगा मेरे हिसाब से 16.495 करोड़ प्लस, अगर रॉय कृष्णा ऐसा मार्केट प्लेयर क्वालिफाई हो रहे तो रॉय कृष्णा की 4 करोड़ की सैलरी 20 करोड़ खर्च कर दिया, मान के चलो दिल्ली क्या पता शायद से 8 से 9 करोड़ खर्च करे, तो वो तो अभी भी इक्वल नहीं है, पर एटलीस्ट एक लेवल लगा हुआ है कि 16.5 करोड़ से ऊपर कोई क्लब जा नहीं सकता। 16.5 करोड़ में सैलरी प्लस लोन फीस आती है प्लेयर की, अभी सुनने में आएगी ट्रांसफर फी नहीं आएगी और प्लस मार्केट प्लेयर्स की फीस नहीं आएगी, और इसको कम कर दिया जाएगा नेक्स्ट सीजन, इसको 15 करोड़ कर देंगे मेरे हिसाब से, बात चल रही है उसकी भी। तो आई थिंक ये सैलरी कैप का डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा, काफी सारे भाई लोगों के क्वेश्चन थे सैलरी कैप क्या है, सैलरी कैप क्या है, ऑफसाइड भाई ने पूछा था। तो नीरज कह रहा है प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज यार लाइक करना, ऑफलाइन जाएगा वीडियो तो आप दोबारा देख सकते हो, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात किया है जो शायद किसी और ने बात नहीं किया होगा। मैं आपको एक फन फैक्ट, दो फन फैक्ट बताऊंगा जो आपको अभी तक किसी ने बताए नहीं होंगे। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल टीम लेजेंड, सुनील छेत्री पहले फ्री किक नहीं मारते थे, 2013 से पहले उन्होंने फ्री किक गोल आई थिंक कोई मारा नहीं था, वो स्पोर्टिंग पोर्चुगल खेलने गए, वहां से वापिस आए, उन्होंने चर्चिल ब्रदर्स के लिए फ्री किक गोल मारना स्टार्ट कर दिए, देन बेंगलुरु के लिए मारे, इंडिया के लिए मारे। उन्होंने अपनी एक मैसेज बताया था, उनकी फ्री किक टेक्निक एक इंग्लैंड फुटबॉल टीम के प्लेयर के साथ खेलते हुए इंप्रूव हुई है। आप गूगल मत करना, आप मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी, बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी और आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मैं आपको बता रहा हूं किससे उनको इंप्रूव, किसी भाई का आंसर आ भी गया इंग्लिश मानेगा कि किससे उनकी इंप्रूव हुई है, एक फन फैक्ट ये हो गया। दूसरा फन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो अभी मुझे पता चला है, आइगर स्टॉमिक, आइगर स्टॉमिक ईरान में कोच करते थे किसी क्लब को, एंड उन्होंने वहां पे देखा है इसको उमित सिंह को खेलते हुए, इसलिए उन्होंने उसको अप्रोच किया है। तो ये मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इससे पहले ईरान के किसी क्लब में कोच कर रहे थे 2015 में, एंड तब उन्होंने उमित सिंह को खेलते हुए देखा, देन ही गॉट इम्प्रेस, उस टाइम इम्प्रेस हुए होंगे, अपने क्लब के लिए भी साइन करना चाहते थे, डील नहीं हो पाई, बट शायद अब इंडिया के लिए साइन कर सकते हैं। तो काफी लोगों ने जवाब दिया एरिक डायर, बहुत सही जवाब है, सुनील छेत्री जब स्पोर्टिंग पोर्चुगल गए थे काफी लोग सोचते हैं फ्लॉप मूव था मेरे लिए, तो मैं अभी मैं क्योंकि हमने एक आर्टिकल भी किया था, हो सके तो मैं लिंक आपको दूंगा चैट पे, कोशिश करता हूँ लिंक देने की, एक आर्टिकल किया था गुरप्रीत सिंह संधू और सुनील छेत्री के ऊपर 2017 में कि उनके फुटबॉल में क्या इंप्रूवमेंट आया है जब वो यूरोपियन फुटबॉल में खेल के आए। लोग सोचते हैं कि पोर्चुगल में यू नो सुनील छेत्री गए और उनको मौका नहीं मिला खेलने का और सब कुछ एवरीथिंग, एंड उस चक्कर से फ्लॉप मूव नहीं है भाई, वो वहां से कुछ सीख के आए, 27-28 एज की एज में छेत्री भाई फ्री किक मारना सीख के आए, वहां से किससे सीखा, एरिक डायर से। सुनील छेत्री भाई बोलते हैं कि एरिक डायर ट्रेनिंग उस टाइम एरिक डायर स्पोर्टिंग पोर्चुगल की जो बी टीम है उस स्पोर्टिंग पोर्चुगल की लोन पे थे और बी टीम के साथ ट्रेन करते थे जब इंजर्ड हुए, तो छेत्री ने उनके साथ फ्री किक प्रैक्टिस करी और फ्री किक मारना सीखा उनके साथ। आप देख रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि उनका मूव फ्लॉप हो गया, यार मूव फ्लॉप नहीं हुआ, मूव सुपर हिट था, खेलने को नहीं मिला पर कुछ नया सीख गया है। तो एक आर्टिकल 2017 में किया था और उसमें हमने गुरप्रीत से और छेत्री से बात की थी यू नो कि इंडियन फुटबॉल शुड ट्राई देयर लक आउटसाइड, मैं चैट पे डाल देता हूं अभी लैपटॉप से, तो आप लोग देखना उसको पढ़ना, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। छेत्री भाई ने और गुरप्रीत भाई ने बताया है कि क्या बोलते हैं यू नो कैसे उनको हेल्प मिला जो बाहर खेलने गए और क्यों यंग इंडियन प्लेयर्स को यूरोप जाना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर हमको वर्ल्ड कप खेलना है इन लॉन्ग टर्म, हमको कुछ टाइम तक यू नो कुछ टाइम बाद से 2-3 साल के अंदर 10-15 प्लेयर हमारे यूरोपियन लोअर डिवीजन यू नो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क ऐसी कंट्रीज के लोअर डिवीजन में हमें खेलना चाहिए हमारे प्लेयर्स को। टॉप डिवीजन नहीं कह रहा हूँ, उनके फर्स्ट डिवीजन में खेलो, क्या दिक्कत है यार, आपको फुटबॉल खेलना है, जितना खेलोगा उतना इंप्रूव होगा। छेत्री 27 साल की उम्र में सीनियर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन बाहर जाके अगर एक फ्री किक मारना सीख सकता है, तो आप यंग एज में जाओगे तो आप तो बहुत कुछ सीख सकते हो। तो एक फन फैक्ट है जो लोग कभी बोलते हैं कि सुनील छेत्री का इंडिया से बाहर फेल हुए उनको खेलने को नहीं मिला पर एज अ इम्प्रूव फुटबॉलर वापस आए थे। यू नो आप एक मतलब देखिए ना, उसके बाद आके उन्होंने 10-15 फ्री किक गोल मारे डायरेक्ट,
तो उन्होंने अपनी आर्मरी में एक वेपन ऐड किया है जो पहले नहीं था। किससे सीखा? टॉटनम के करंट स्टार, इंग्लैंड के करंट स्टार एरिक डायर से सीखा, यू नो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब बाहर के क्लब के साथ खेलते हो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यार, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने हेल्प भी किया प्लेयर्स को बाहर ट्रायल दिलाने के लिए, कुछ प्लेयर्स गए भी तो कुछ हो नहीं पाया, प्लेयर्स को वापस आईएसएल खेलना था। मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, कुछ एजेंट्स को जानता हूँ यूरोप में जो चाहते हैं इंडियन प्लेयर्स बाहर आए, बट हो नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए। आईएसएल में सैलरी अच्छा मिलता तो प्लेयर रिस्क नहीं लेना चाहते। आई थिंक होपफुली एक दो साल में जब प्लेयर पैसा कमा ले तो वो रिस्क लेंगे, पर थोड़ा लेट हो जाता है, फिर वो 26-27 साल के हो जाएंगे तो वो दिक्कत होती है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि उनको 18-19-20 साल के हैं, उनको बाहर जाना चाहिए। एरिक डायर वॉज गुड प्लेयर, कर्नैल सिंह भाई बोले एरिक डायर, आप अच्छी बात है, वीडियो देख रहे हैं यार, अच्छे बहुत अच्छे प्लेयर है, राइट बैक, डिफेंसिव मिडफील्डर, सेंटर बैक खेल लेते हैं। तो छेत्री भाई सीख क्या है, फ्री किक मार रहे हैं, इंडिया को गोल मारे भी उन्होंने। उन्होंने मैं आपको याद रखी 2013 में हम बांग्लादेश से हार रहे थे सेफ चैंपियनशिप में, मुझे अच्छी तरह याद है, वो पोर्चुगल से आए थे और हार रहे थे, बहुत बुरा खेल रहे थे उस टाइम पे इंडिया। उस टाइम इंडिया के कोच थे विम कोरमेंस, नीदरलैंड कोच है, नीदरलैंड के कोच थे, हम पासिंग फुटबॉल इंप्लीमेंट कर रहे थे, हम सेफ चैंपियनशिप अच्छा नहीं खेलते थे। 95 मिनट में छेत्री ने फ्री किक से गोल मारा था इंडिया को, मतलब एक हमारी बेइज्जती हो जाती है यार, बांग्लादेश के फैन हमारी बेइज्जती करते अगर हम मैच हार जाते। 93-94 मिनट में फ्री किक, लास्ट किक ऑफ द मैच से फ्री किक से गोल मारा। तो इसलिए यार सीख के आए थे, यंग प्लेयर्स भी सीख सकते हैं मेरे हिसाब से, तो अच्छा रहेगा जितना प्लेयर्स बाहर जाएंगे, यू नो। थोड़े क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको रैप अप करते हैं, एक डेढ़ घंटा होने वाला है। अवर प्लेयर शुड ऑल्सो साइन फॉर जी लीग क्लब्स, थोड़ा मुश्किल है। डैरली भाई, आपका नाम क्या, मुझे पता नहीं, डैरली लिखा है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि देखो जे लीग में भी 3+1 का कॉम्बो है, तो एक एशियन प्लेयर ना वो भी सोचते हैं हम साउथ कोरिया से ले आए हैं, यू नो, या मिडल ईस्ट से ले आए हैं, या कोई ऐसा यूरोपियन प्लेयर जिसपे साउथ एशिया का पासपोर्ट उसको ले आए, तो थोड़ा मुश्किल है। बट इवेंचुअली जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस तरफ हम पहले जाए और उसके बाद हम थोड़ा जापान की तरफ या के लीग की तरफ जाए। बाइनर सुब्रतो पॉल पे कभी एक इंटरेस्ट हुआ करता था 2011 में के लीग क्लब का, जब उन्होंने एशिया कप में स्पाइडरमैन वाली परफॉर्मेंस दी थी, बट इवेंचुअली मूव भी नहीं हुआ था। बट थोड़े ऐसे मैं आपको फैक्ट देता रहूंगा इन वीडियोस में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, आपने कभी आर्टिकल वगैरह पढ़ा नहीं हुआ, तो वीडियोस में इसलिए करना चाह रहा था कि ये चीजें सामने आए, जो चीजें हम बात नहीं करते उन चीजों पर बात कर सके। चांगते के मूव का क्या, सिद्धांत प्रकाश पूछ रहे हैं, चांगते के मूव पे मेरे जानने वाला कोई बंदा इन्वॉल्व था, वो गया एंड दो दिन के ट्रायल में क्या होता है मेरे भाई, गुरप्रीत को जब डील मिली थी तो उसका 2-3 महीने का ट्रायल था, तो वो थोड़ा एक इमेच्योर टाइप डिसीजन था मेरे हिसाब से। अगर आप प्लेयर जाना चाहता है, क्योंकि एजेंट वगैरह को सीरियसली उसको 1-2 महीने के लिए बाहर लेना चाहिए, लेट हिम ट्रेन फॉर 15-20 डेज विद द स्क्वाड एंड देन इज ट्रायल्स स्टार्ट। अभी क्या होता है, प्लेयर जाता है, फ्लाइट में लैंड हुआ, वहां बर्फ पड़ रही है, ठंड लग रही है, यू नो, जाते इसको ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग अलग स्पीड में हो रही है, आप अलग स्पीड से आ रहे हो और आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, उसमें आपको प्लेयर तो क्या, कोच क्या जज करेगा, तो ट्रायल थोड़े लंबे होने चाहिए, यू नो, मेरे हिसाब से। सो फ्लॉपो फॉर रीजन इज, वट इज ओपिनियन ऑन एल्को केला राष्ट्रीय कोच, यार इज वेरी गुड कोच, ही नोज इंडियन कंडीशन, इंडियन प्लेयर वेरी वेल, सो आई थिंक विच माइट हेल्प केला राष्ट्रीय दिस सीजन। इंटरकॉन्टिनेंटल कप के टिकट्स कब स्टार्ट होंगे? रविंद्र सिंह, यार इंडिया में तो एक हफ्ते पहले स्टार्ट होते हैं यूजली, तो पहले मैच से आई थिंक 10-7 दिन पहले स्टार्ट हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक तो यही न्यूज है, अभी हम अहमदाबाद मेरा बंदा जाएगा स्टेडियम पे वीडियो करने, तो और खबर लेके आएंगे आपको वहां से क्या होता है। व्हेन इज आईएसएल गोइंग टू स्टार्ट? आई थिंक अक्टूबर में स्टार्ट होगी आईएसएल, क्योंकि सुपर कप पहले हो रहा है, तो आईएसएल मेरे हिसाब से अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे। डोरेंट कप कब होगा? डोरेंट कप अगस्त में होगा, मैंने बात किया डोरेंट कप के बारे में, फ्लॉप फॉर रीजन, यू कैन गो बिहाइंड एंड वॉच, तो उसमें मैंने बात किया डोरेंट कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप के बारे में। तो डोरेंट कप इज हैपनिंग, देखते हैं क्लब्स अपनी सीनियर स्क्वाड भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। आइकर स्टॉमिक ने बोला कि आईएसएल में फॉरवर्ड में फॉरेन प्लेयर ज्यादा है, उसलिए नेशनल टीम में अच्छे इंडियन प्लेयर्स कम है। आई एग्री, ज्यादा है, मैं तो बोल रहा हूँ 3+1 करना चाहिए,
थ्री प्लस वन करने के दो फायदे हैं, आपको एशिया में वैसे ही खेलना है तो एशिया में आप जाओगे तो कुछ अलग नहीं होगा, आपके लिए सिचुएशन सेम रहेगी, प्लस आप चार फॉरनर्स में ज्यादा पैसा लगा सकते हो, जो आप दो फॉरनर्स के पैसे लगा रहे हो चार में लगाओ, आप चारों को चारों क्वालिटी फॉरनर्स लाओ, तो एक फायदा यह है। दूसरा फायदा ऑफकोर्स इंडियन प्लेयर को ज्यादा चांस मिलेगा, नेशनल टीम इंप्रूव होगी, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए यू नो थ्री प्लस वन। बैंजो सेज व्हाट अबाउट आई लीग, यार आई लीग का तो अब क्या बोलूं, लीग वन होने वाली है यही बोल सकता हूं। अभी जो न्यूज लेटेस्ट है कुशाल दास की स्टेटमेंट आई है जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIFF की आईएसएल टॉप डिवीजन बनने वाली है, तो अभी तक तो यही न्यूज है, बट होपफुली आई लीग क्लब कंटिन्यूज, उनका यूथ सेटअप अच्छा है, उनको यूथ टीम्स पे फोकस करना चाहिए, प्लेयर्स बनाने चाहिए, लॉन्ग टर्म में सिनेरियो चेंज होगा, ये लॉन्ग टर्म तक क्लोज लीग नहीं रख पाएंगे, आईएसएल में प्रमोशन होंगे एंड फिर आप वापस ही आके प्रमोट कर सकते हैं। ISL is not profitable. How do they plan to cover these losses and how long they can sustain this? Nikhil, so this is my question for ISL fraternity also. Club are losing money and club know this as a fact and they are keep on saying they don't get any TV rights right now. You know, so how long they can continue? 2 years, 3 years, maybe some can continue more. So they need to find more feasible way to do this. And what is that feasible way? I think they need to make a good long spread league in which their games are only on weekend. अभी क्या होता है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को मैच होते हैं, या लोगों का कॉलेज होता है स्कूल होता है कैसे मैच देखने जाएंगे, आप फ्राइडे को मैच रखिए, फ्राइडे नाइट को, सैटरडे मैच रखिए, संडे मैच रखिए, आप मंडे की नाइट को मैच रख लीजिए अगर कोई नहीं मैच रखना है, या थर्सडे की नाइट को रख लीजिए, होपफुली सारे मैच वीकेंड में होने चाहिए। आपको कल्चर बनाना है, कल्चर तभी बनता है ना जब यू नो आप मंडे से फ्राइडे काम कर रहे हो और आपके दिमाग में संडे को आपकी टीम का गेम है, आपको मैच देखने स्टेडियम जाना है, वो फुटबॉल कल्चर होता है, वो तब बनेगा जब फुटबॉल को फुटबॉल की तरह करेंगे। आप आईपीएल को थोड़ा कॉपी करना बंद कीजिए, यू नो एक इसको फुटबॉल की तरह चलने दीजिए, आपने एक जो आईपीएल की तरह आईएसएल बनाया था ताकि मार्केटिंग मिले, आईबॉल्स मिले, वो आपको मिल चुका है, वो सब कुछ आपके पास है, अब इसको टाइम आ चुका है कि कन्वर्ट करें फुटबॉल लीग में और फुटबॉल लीग की तरह इसको करवाएं। भाई आपको लगता है टू अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट अंडर 17 कर रहा है क्या वो AIFF में सीनियर फीफा वर्ल्ड कप अपनी बिट स्ट्रॉन्ग करने की? हाँ, वो फीफा को बता रहा है कि हम बड़े टूर्नामेंट कर सकते हैं, AFC को बता रहा है कि बड़े टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं, हमने अंडर 17 वर्ल्ड कप किया, अब गर्ल्स वर्ल्ड कप कर रहे हैं, ये शायद इंडिया बिड भी करेगा 2027 AFC एशियन कप के लिए, मेरे हिसाब से कर सकता है या 30 वाले दोनों में से एक को करेगा। प्लस देयर आर एक फीफा में एक रूमर है या फीफा में गॉसिप है जो मैंने किसी से सुना था, फीफा में जो काम करते हुए सुना था जो साउथ एशिया में, कि फीफा में लोग सोचते हैं कि चाइना एंड इंडिया शुड होस्ट द वर्ल्ड कप कंबाइंडली, दो सबसे बड़े नेशन वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, आप सोच सकते हो कितने लोग, बिलियंस ऑफ पीपल विल गेट इन्वॉल्व, तो वो रेडी होना दोनों नेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे वही हो रहा है कि हम रेडी करना चाह रहे हैं अपने आप को बड़े टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए, तो देखते हैं कैसा होगा। कैपेसिटी ऑफ अहमदाबाद स्टेडियम बोलते तो 12,000 है यार, बट एनीथिंग अराउंड 6,000 से 7,000 है मेरे हिसाब से, देखते हैं अभी जब टिकट आएंगे तो पता चलेगा कितनी कैपेसिटी है ट्रांसस्टेडियम की। दिस ईयर आईएसएल फॉर्मेट कैन बी एक्सेप्ट अ लीग फॉर्मेट, अभी तक कोई न्यूज नहीं है लीग फॉर्मेट है कि नहीं है, बट मेरे हिसाब से लीग फॉर्मेट होना चाहिए यार, अब बहुत हो गया ये कप वाला फॉर्मेट, आई थिंक इंटरेस्ट तो लीग फॉर्मेट में ही आता है, मजा उसी का ही है, लीग फॉर्मेट होना चाहिए। बीच में बोरिंग हो जाता है लास्ट फेज ऑफ आईएसएल, जब लास्ट में टॉप 4 टीम डिसाइड हो जाती है, नीचे वाली टीम का उसको खेलने के लिए नहीं होता तो थोड़ा मजा खराब हो जाता है। आईएसएल 15 करोड़ का मार्केटिंग क्या करता है, वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, नहीं करता है और सब करता रहता है यार, ऐसा नहीं करता है, मार्केटिंग करता है यार, ऐसे थोड़ा आईबॉल्स मिले हैं आईएसएल को, मार्केटिंग करी है, पेपर पे फ्रंट पेज एड आता है आईएसएल का, आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, वैसे तो आई लीग का कभी देखा नहीं है, किसी लीग का देखा नहीं है, इवन नेशनल लीग का नहीं देखा, अंडर 17 वर्ल्ड कप का भी था नहीं था याद नहीं, बट आईएसएल का मैंने देखा है, हर साल एक ऐड आता है फ्रंट पेपर जब आई लीग स्टार्ट होती है, तो मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं चाहिए होता है। हाउ बिग इज अहमदाबाद स्टेडियम, यार फुटबॉल स्पेसिफिक स्टेडियम है, कितना बड़ा है अभी वीडियो आएगा, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, एक टूर कर रहे हैं वीडियो टाइप टूर स्टेडियम प्रीव्यू होगा, वो हमारे चैनल पर आएगा, बने रहिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा स्टेडियम में क्या है, कितनी कैपेसिटी है, आई थिंक 6,000 से 7,000 की कैपेसिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इस अनिके ज्यादा बैक फ्रॉम इंडिया वायरल, आई थिंक नहीं अभी चल रही है, उसका सेशन कंप्लीट होगा, आने वाले होंगे जल्दी। भाई इंडिया चाइना का रिलेशन बहुत खराब है, पोस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप कांट बी पॉसिबल, ऐसा नहीं है खराब है, गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम कर रही है भाई, अगर फीफा बोल देगा कि नहीं दे रहे आपको वर्ल्ड कप, अगर 48 टीम्स का वर्ल्ड कप फ्यूचर में होता है तो किसी भी एक नेशन को वर्ल्ड कप नहीं मिलेगा,
आपको को-होस्ट चाहिए होंगे, इसीलिए कतार वाला वर्ल्ड कप है उसको 48 करने की बात कर रहे थे, बट कतार की दोस्ती नहीं है किसी के साथ मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब के साथ कर सकते हैं। कुवैत ने बोला कि हम अल्कोहल बैन हटाएंगे नहीं, तो कुवैत से बात चल रही थी कि कुवैत को-होस्ट बन जाए, तो कुवैत ने बोला कि अल्कोहल का बैन नहीं हटाएंगे, तो इस चक्कर से फिर 2022 वर्ल्ड कप वो 32 रखने दिया है और 2026 वर्ल्ड कप 48 का होगा। तो कोई भी एक कंट्री होस्ट नहीं करेगा, स्पेशली एशियन नेशन तो नहीं करने वाला, तो चाइना कंबाइनली करेगा, जापान के साथ कर सकता है, पर जापान साउथ कोरिया कर चुका है पहले एक बार, तो लेकिन चाइना इंडिया का चांस बनता है दोनों को, मेरे हिसाब से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फुटबॉल फेडरेशन बात करें आपस में, तो गवर्नमेंट भी साथ में काम कर सकती है, ऐसा रिलेशन खराब नहीं है यार, मैं चाइनीज फोन यूज कर रहा हूँ, आप चाइनीज फोन यूज कर रहे हो, तो रिलेशन खराब कैसे है नहीं, सारे चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहे हैं, बोलने की बात है, खराब है पर दूसरे लेवल पे है, बिजनेस तो अभी भी चल रहा है ना, फुटबॉल भी बिजनेस की तरह है, लोग तो काम क्यों नहीं होगा। Which European league is for Indian players to kickstart their career? I heard English and Spanish league as non-European quota. Your thoughts? Fabio, मेरे हिसाब से आप Spain, England, Italy भूल जाओ, Portugal भूल जाओ। अगर यहाँ जाना है तो second division, first, third division खेलो। आपको जहाँ जाना चाहिए Norway, Finland, Sweden, Poland, you know, ऐसी countries में, जो countries जहाँ emerging talent को मौका मिलता है और जहाँ ये बड़े club scouting करते हैं। तो देखिए नॉर्वे से लोग अभी ओले गुनर सुलशर आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वहां से प्लेयर्स आ रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो ऐसे क्लब वहां के फर्स्ट डिवीजन क्लब इंडियन प्लेयर्स को लेना चाहते हैं। मैंने डील्स देखी हैं अपनी आंखों से, गुरप्रीत खेलता था, मैंने डील्स और ट्रायल लेटर्स देखे हैं, जो करंट इंडियन यंगस्टर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला था उनके लिए ट्रायल लेटर आए थे नॉर्वे के क्लब से, प्लेयर नहीं गया ट्रायल देने। आप समझ सकते हैं इस बात को, दो दो वीक का ट्रायल लेटर था, वो क्लब ऐसे से क्लब है जो यूरोपा लीग खेल रहे हैं इस सीजन, मैं आपको एक दो साल पुरानी बात बता रहा हूं, वो प्लेयर्स गए नहीं। आप हार्ड लक बोलिए या क्लब की उधर एक किस्मत, हमारे किस्मत फूटी बोलिए, मैं क्लब का नाम भी ले सकता हूं आपके सामने पर लूंगा नहीं, वो इस सीजन यूरोपा लीग क्वालिफायर्स खेल रहा है क्लब, हंगरी का क्लब है, और इंडियन प्लेयर के लिए ऑफर था, प्लेयर नहीं गया, प्लेयर मुकर गया या बात नहीं बनी, डील नहीं, ट्रायल का ऑफर था, प्लेयर नहीं गया, तो ये चक्कर है। ऐसा नहीं क्लब इंडियन प्लेयर लेना चाहते हैं, प्लेयर्स को भी सीरियस होना पड़ेगा यार, उनको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा अपना ना, बाहर जाके एक सैलरी छोड़नी पड़ेगी आईएसएल की, आईएसएल जितना पैसा यूरोपियन क्लब उनको नहीं देगा, बिकॉज वो है कौन, हम है कौन, इंडियन फुटबॉल क्या है उनके सामने, हम रोनाल्डो मेसी तो है नहीं, वो ट्रायल पे आपको बुलाएंगे, आपको बेसिक वेजेस देंगे। यूरोप में क्या होता है ना, 2000 यूरो का एक बेसिक होता है कि आपको बेसिक देना ही देना है, मिनिमम वेजेस का एक रूल होता है, विच इज 2000 यूरो, इतना बुरा नहीं, 2000 यूएसडी इतना बुरा नहीं है, आप स्टार्ट करो, आप परफॉर्म करोगे ना, कोई अपर लिमिट नहीं है यूरोप में, आईएसएल में आपको सुनील छेत्री ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा इस टाइम पे अगले दो तीन साल में, बट आप यूरोप में अच्छा करोगे तो आपको बहुत पैसा मिल सकता है, पर आपको स्टार्ट तो नीचे से करना पड़ेगा, जैसे इंडिया में नीचे से स्टार्ट किया, तो ये कहानी है। तो मेरे हिसाब से तो न्यूडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड ऐसी कंट्रीज टारगेट करनी चाहिए इंडियन प्लेयर्स को, वहां के क्लब्स इंटरेस्टेड भी हैं, बट क्लब सीरियस, हमारे प्लेयर्स और क्लब सीरियस नहीं होते तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं हेल्प कर सकता हूं बट प्लेयर्स रेडी नहीं होते हेल्प लेने के लिए। इंडियन प्लेयर्स भाई नाम भी लूंगा, फैलो इंडियन प्लेयर्स कौन था, बट वर्ल्ड कप स्क्वाड के ही प्लेयर थे, दो तीन प्लेयर से बात हुई थी, एजेंट था, एजेंट को जानता हूं, मैंने ऑफर लेटर देखा है मेरे पास, अभी भी ऑफर लेटर मेरे फोन पे पड़ा है, यू नो ट्रायल का ऑफर लेटर था, AIFF के थ्रू बात चल रही थी, जो भी चल रही थी, मुझे नहीं पता क्यों फेल हुआ, बट अंडर 17 वर्ल्ड कप के प्लेयर्स थे, यू नो, और वो वर्ल्ड कप खेले थे, आई थिंक दो या तीन प्लेयर्स थे जिनमें यूरोपियन क्लब इंटरेस्टेड थे, मैंने रियल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट ये नहीं कह रहा हूं कि हवाई इंटरेस्ट, मैंने ऑफर लेटर देखा है, धीरज नहीं था भाई, धीरज नहीं था, ऑफर लेटर देखा है, ट्रायल का ऑफर लेटर, 15 दिन के लिए बुला रहे थे उनको, प्लेयर नहीं गया। अब क्यों नहीं गया, क्या नहीं गया, क्या फेल हुआ, उस बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, भी मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व थी तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। देखो मैं फ्लॉपर, मैं नाम नहीं बोलने वाला, अंडर 17 वर्ल्ड कप के प्लेयर्स थे, मैंने ऑफर लेटर देखे हैं और अच्छे क्लब्स के ऑफर लेटर थे, और हंगरी का क्लब था, एक क्लब था, मैं अगर अपने फोन पे मेरे पे ऑफर लेटर है, वो क्लब आई थिंक क्लब का मैं आपको बताता हूँ, यूरोपा लीग खेल रहा है, किस कंट्री का क्लब है मैं वो बता सकता हूँ आपको, आप एक सेकंड दीजिए, फिर क्लब आप सोचते रहना कौन सा क्लब है, मैं जस्ट देखता हूँ नोट्स में मेरे कहीं पढ़ा हो तो। एक और दो साल पुरानी बात आई 2017 के अराउंड में बात हुई थी, एक क्लब था जो इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर में इंटरेस्टेड था, और आप यकीन नहीं मानोगे उस क्लब ने
पिछले सीजन में यूरोपा लीग में चेल्सी के अगेंस्ट मैच खेला, एक और फैक्ट है आपके लिए। और मेरे पे ऑफर लेटर अभी भी होगा, मेरे फोन पे व्हाट्सएप चैट में पड़ा होगा। और मतलब आप देख लीजिए ऐसा चलता है सिनेरियो इंडिया में, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उस बारे में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं यार, इंडियन प्लेयर्स को उनकी गलती भी नहीं है यार, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, जो इकोसिस्टम है उसमें ये सिनेरियो है, यू नो। तो होपफुली वो इंप्रूव हो। मैंने आर्टिकल का लिंक डाला था चैट में, आप देखोगे ऊपर जाके कि क्यों इंडियन प्लेयर्स को बाहर जाना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरप्रीत सिंह संधू बोल रहा है, सुनील छेत्री बोल रहा है, जो बाहर जाके वापस आए हैं, उन्होंने डिफरेंस देखा है ट्रेनिंग में, डाइट में, फैसिलिटीज में, उनके गेम में। तो मेरे हिसाब से जो अंडर 20 प्लेयर्स है उनको बाहर ट्राई करना चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगा उनको। मे भी अमरीके जावद ज्यादा जो वापस आया डिफरेंस देखेगा पुराने अमरीके ज्यादा और नए अमरीके ज्यादा में। कैन द बिग न्यूज इफेक्ट दिस? उमेश सिन्हा इफेक्ट तो कर सकता है, बट वो प्लेयर की थिंकिंग चेंज होगी कि नहीं होगी उस पर देखते हैं। मेन प्लेयर की थिंकिंग है उसको रिस्क लेना थोड़ा सा ना यूरोप जाने के लिए, क्योंकि उसको आईएसएल की अच्छी सैलरी छोड़नी पड़ती है। तो देखो प्लेयर की गलती नहीं है, काफी सारे प्लेयर अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनको अपने मॉम डैड को देखना है, अपनी फैमिली देखनी है, तो वो भी बहुत सही है अपनी तरफ, यू नो। उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, बट वही है हमारे लिए अच्छा रहेगा प्लेयर एक हम अपना खुद का रोनाल्डो मेसी जो यूरोप में भेज पाए, यू नो, जिसके पे यूरोपियन क्लब पागल हो सके। कैन उदानते हैं सहल बेटर चांस इन यूरोप? यार चांस मिल सकता है, मैं बता रहा हूँ ना, ये लीग ट्राई करेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, हंगरी, ऐसी लीग ट्राई करेंगे, वहां पे चांसेस है, वहां पे छोटा क्लब जो खेल रहा होगा मिड टेबल क्लब आपको चांस दे देगा। आप वहां जाओ एक साल खेलो, आपको वहां का टॉप क्लब दे देगा, अच्छा खेलो, मेहनत करो, क्यों नहीं होगा। अमरजीत सिंह का पोर्चुगल डिवीजन का मूव की चर्चा, यार उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, अमरजीत सिंह अच्छा है, देखते हैं क्या खेलते हैं क्या नहीं खेलते हैं, बट ऑन कुछ है उस डील के बारे में कुछ मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता था, बट देखते हैं क्या होता है, कितना को चांस मिलता है खेलने का, उसके बारे में कब बात करेंगे, यू नो। बट जो मैं बात कर रहा था क्लब प्लेयर्स के बारे में, वो मैं बात कर रहा था जो प्लेयर्स फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं इंडिया के अंडर 17, उन प्लेयर्स की बात कर रहा था। और एक प्लेयर और है उनके बारे में बात कर रहा था, ऑफर लेटर वगैरह देखे यार ट्रायल के, अच्छा नहीं लगा, बट क्या कर सकते हैं, सिनेरियो यही है इंडिया में, तो देखते हैं। चलो यार रैप अप करते हैं, आई थिंक अच्छा 112 लोगों ने लाइक किया है, अभी भी 49 लोग देख रहे हैं। यार अभी भारती के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है, अभी खेलते किसी ने देखा नहीं है, तो टैलेंट सब बोलते हैं, तो जब तक हम खेलते हुए ना देखे, मैं किसी को कमेंट किसी से पास नहीं करता, मेरी बात होती थी उनसे पहले, अभी तो किसी टाइम बात नहीं हुई है, तो उनका इंडिया के कैंप वगैरह अटेंड करे तो पता चलेगा टैलेंट कितना उनके अंदर, टैलेंटेड होंगे फॉर श्योर, बट खेलते हुए हमें देखा, मैं कैसे कमेंट पास करूं उसके बारे में। भाई आजकल कोई आईएसएल को टॉप लीग बनाने की रिपोर्ट आई है क्या, इसके बाद आई लीग क्लब को फोर्सफुली आईएसएल में आना पड़ेगा? माना गुता फोर्सफुली आना ही पड़ेगा, उनको अपना हक मांगना पड़ेगा, उनको अभी लेना नहीं चाहते हैं, प्रमोशन मिलेगा नहीं तो आईएसएल टॉप डिवीजन बनेगा इंडिया का। मैं चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि आई लीग से हर सीजन एक टीम आईएसएल में आए, रेलिगेशन मत करो, बट ऑटोमेटिक प्रमोशन होना चाहिए, ताकि आई लीग क्लब के लिए फेयर रहे, उनको भी मौका मिलना चाहिए, यू नो, अपने क्लब को अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं मध्य प्रदेश से हूं और अहमदाबाद बैग लेकर जाऊंगा, तो वहां बैग रखने का क्या सिस्टम रहेगा स्टेडियम में? रविंदर सिंह आपको मैं आप हमारा बंदा रहेगा, आपको मैं लोकल फैन ग्रुप है उनसे बात करवा दूंगा, आप हमारे ट्विटर पे या फेसबुक मैसेज करना खेल रहा हूँ फुटबॉल के, मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूँ, फोन नंबर दे दूंगा, वो आपको कोऑर्डिनेट कर देंगे, यार आपको जगह भी दिलवा देंगे रहने की, कोई टेंशन की बात नहीं। इंडियन फुटबॉल फैंस बहुत बहुत हेल्प करते हैं दूसरे की, यू नो, हमने एक ब्लू प्रिज्म बहुत काम कर रहा है, पर अहमदाबाद में हमारा लोकल बंदा है खुद का, हमारा रिपोर्टर कैमरा मैन है, तो आप कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे, आप मैसेज कर देना हमको फेसबुक पे, यू नो, या ट्विटर पे ट्वीट कर देना, तो मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, ऋत्विक जोशी करके बंदे का नाम है, तो आप उससे कर लेना, कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा आपकी वहाँ पे, कोई इशू की बात नहीं है, एक साथ फैमिली जैसे छोटी सी फैमिली है, कोई इशू नहीं है उसमें। इंडियन प्लेयर शुड ट्राई टू वर्ट एशिया टॉप लीग, देन शुड ट्राई टू वर्ट इनटू यूरोप। ऑफसाइड एशियन टॉप लीग थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे कोटा है, 3+1 फॉरनर का कोटा, इंडिया का फॉरनर जाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूरोपियन लीग में चांसेस हैं, लोअर डिवीजन लीग में, मैंने ऑफर लेटर देखे हैं, मैं ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है ऑफर लेटर ना प्लेयर्स के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लब्स जा सकते हैं, और ऐसे क्लब जो यूरोपा लीग क्वालिफायर्स खेलते हैं, चैंपियंस लीग क्वालिफायर खेलते हैं, टॉप कंट्रीज के नहीं है, ऐसी कंट्रीज के जो यूरोपा लीग खेल रहे थे, क्यों क्या बुराई उन क्लब में खेलने में ना, आप यूरोपा लीग खेलते हो आप स्काउट हो सकते हो किसी बड़े क्लब के लिए। शुड इंडिया डू लाइक कतार बाय नेशनलाइजिंग प्लेयर्स बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम अफ्रीका? नहीं भाई, आई डोंट एग्री फैमिलियो भाई कि इंडिया शुड नेचुरलाइज अफ्रीकन प्लेयर्स, यार मुझे सपोर्ट करने फीलिंग ही नहीं आएगा, मैं देख रहा हूँ अफ्रीकन बंदा खेल रहा है इंडिया के लिए,
मुझे तो नहीं आया। आपके आप देख आप क्या सोचते हो इस बारे में, एक इंडियन ओरिजिन का प्लेयर हो फिर भी समझ में आता है कि नो इंडियन ओरिजिन का प्लेयर है, उसके बाप दादा इंडिया में थे, इंडिया से बाहर गया अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए। मैं तो नहीं सपोर्ट कर पाऊंगा अगर वो अफ्रीकन हमारी टीम में खेल रहा होगा। कतार वाले देखो सपोर्ट करते हैं अलग बात है, बट मुझे तो मजा नहीं आएगा। आप बताओ मतलब आप लोग 49 लोग देख रहे हैं, अगर वो अफ्रीकन प्लेयर्स इंडियन टीम के लिए खेल रहा होगा तो आपको अच्छा लगेगा मैच देखने में? मुझे तो मजा नहीं आएगा। आई डोंट इवन सपोर्ट इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स। देखो तो ये ओपिनियन है। नॉर्थ ईस्ट के ट्रांसफर के बारे में कुछ बोलिए भाई, कुछ बोलने के लिए है नहीं नॉर्थ ईस्ट के ट्रांसफर के बारे में। जैसे कुछ आता बताता हूँ मैं। खाली जमीन साइन किया है तो इंडियन प्लेयर्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी मेरे हिसाब से पहले। फॉरनर तभी आएंगे जब कोच आएगा मेरे हिसाब से, आप भी सकते हो उससे पहले, बट आई थिंक इंडियन प्लेयर्स ज्यादा आएंगे। उमेश सिन्हा बोल रहा है भाई थाईलैंड चाना थिप क्वांग हाय वियतनाम प्लेइंग इन जे लीग के लीग वी हैव डिफीटेड थाईलैंड ट्वाइस व्हाई डोंट दे कंसीडर आवर प्लेयर्स। यार थाईलैंड वियतनाम जे लीग में देखो वो बहुत पहले से खेल रहे, वो कंसीडर करते हैं क्योंकि वो उस लीग में ट्रायल देने गए। हमारे प्लेयर को बोलोगे कि आप ट्रायल छोड़ के आईएसएल ग्रीन छोड़ के ट्रायल देने जाओ थाई क्लब के साथ या जे क्लब के साथ, तो नहीं जाते ना यार प्लेयर्स, उनको यहाँ पर फिर आईएसएल की डिग्री छूट जाएगी उनकी, वो रिस्क नहीं लेते वहां पे अपनी डोमेस्टिक लीग छोड़ के प्लेयर रेडी है बाहर जाने के लिए। अभी आई थिंक इंडोनेशिया का अंडर 20 प्लेयर नॉर्वे में ट्रायल दे रहा है, अंडर 20 कैप्टन अंडर 19 कैप्टन नॉर्वे में ट्रायल दे रहा है। इंडिया का अंडर 19 कैप्टन क्या कर रहा है, वो आईएसएल कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला पड़ा है तो वो आराम से बैठा पड़ा है, अच्छी बात है वो भी, बट आई थिंक थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मे बी आईएसएल क्लब लोन आउट कर सकते हैं प्लेयर, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 या 3 साल तक प्लेयर लोन आउट कर दो, आपका एसेट भी कंट्रोल हो जाएगा उसमें और आपके प्लेयर का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। अगर आईएसएल की रिजर्व टीम में खेलने से अच्छा किसी यूरोपियन क्लब की रिजर्व टीम में खेलने वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नॉट अबाउट नेटिव सिद्धि प्लेयर लिविंग इन इंडिया देखकर ह्यूज एसेट दे भाई, वो मैं एग्री करता हूँ कि जो हमारे सिद्धि कम्युनिटी है वो आ जाए उनको फुल सपोर्ट है भाई, पर ऐसा ना हो कि नाइजीरिया से कोई पहले उड़ाफा प्लेयर होता था आई लीग में उसको खिला रहे हैं उनको, वो सब मजा नहीं आएगा ना। इंडिया में पैदा हुआ बंदा ठीक है, चाहे वो अफ्रीकन भी इंडिया में पैदा हुआ है उसके इंडियन सिटीजनशिप है वो ठीक है और सिद्धि कम्युनिटी है वो लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं, पर जैसे कतार कर रहे हैं ना, कतार तो रेंडमली अफ्रीका